गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग रोहतास सर, और ललित भी हैं हमारे साथ कैमरा पे। तो हम लोग आज एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री और कल्चरल हिस्ट्री की शुरुआत करेंगे, और जैसा कि मॉडर्न इंडिया में भी हम लोगों ने किया था, हम एक बार प्लान करेंगे कि हमें क्या सिलेबस है, क्या इसका ट्रेंड है। आधे घंटे 40 मिनट में एक बार सारी चीज़ों को समझ लेंगे हम, फिर हम स्टेप बाय स्टेप पूरे टॉपिक की बात करेंगे आपसे। वैसे तो पहले भी बात कर चुके हैं, बट एक बार तरोताज़ा थोड़ा हो जाएगा आपको भी और मुझे भी, है ना। हम सबको ये तो ठीक से पता है ही कि पीटी का जो हमारा सिलेबस है उसमें हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ने के लिए कहा गया है, ठीक है। साफ साफ है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। जैसे हम हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहते हैं, बहुत ऑब्वियस है ये तीन भागों में बंट जाता है हमारा, प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। ठीक है, प्राचीन काल की बात करें हम तो आप इसको ले सकते हैं 5 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, ठीक है। ये और भी पीछे आ सकता है, अभी मैं समझाऊंगा आपको। मध्यकाल की बात करें हम तो 1200 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक, और आधुनिक काल की बात करें हम 1750 से 1947 और आगे 1964-91, जहाँ तक ले जा सकते हैं उसको हम लोग। आधुनिक भारत के इतिहास जो है 1750 से 1947, इसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको देखा है ना, अध्ययन किया है। अभी शुरुआत हम लोग करेंगे प्राचीन काल और मध्यकाल के बारे में भी थोड़ा सा आपको आइडिया दूंगा। सिलेबस है हिस्ट्री ऑफ इंडिया और इंडियन नेशनल मूवमेंट। मैं बराबर आपको कहता हूं कि औसतन इससे 15 प्रश्न तो पूछे ही जाते हैं। हम लास्ट 2 साल की बात करें, 2019 और 20, तो 15 से अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। 2019 के प्रीलिम्स में भी 15 प्लस प्रश्न पूछे गए थे, और 2020 में जो भी प्रीलिम्स हुआ है इसमें भी 15 प्लस प्रश्न पूछे गए थे, 17-18 प्रश्न पूछे गए। पहले का जो ट्रेंड था उसमें यह था कि 15 प्रश्न में आपको 8-10 प्रश्न तो यहीं से पूछ लिए जाते थे मॉडर्न इंडिया से, और 2-3 प्रश्न इससे होते थे, कोई एक आधा सवाल इससे हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। यह पुराना ट्रेंड था। 2019 में हमें क्या दिखा, 2019 में सबसे ज्यादा प्रश्न जो है मध्यकाल से पूछे गए, 7-8 प्रश्न। एंशिएंट इंडिया से भी प्रश्न पूछा गया था, मॉडर्न से भी प्रश्न पूछा गया, बट मैक्सिमम क्वेश्चन कहां से पूछा गया, मेडाइवल इंडिया से। इसके पहले 25-30-35 वर्षों में कभी ऐसा नहीं हुआ था यूपीएससी में कि मेडिवल इंडिया से अधिक प्रश्न पूछे जाए, पीटी वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, ठीक है, 2019। उसी तरह से 2020 की बात करें हम तो इस बार भी हाईएस्ट क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन पूछा गया है एंशिएंट इंडिया से। मेडिवल से भी 4-5 प्रश्न पूछे गए हैं, और मॉडर्न से भी प्रश्न पूछे गए हैं, 5-6 प्रश्न, है ना, गिनती देख लीजिएगा, एक आधा आगे पीछे होगा। कहने का बस इतना सा मकसद है कि यूपीएससी ने पिछले 2 साल से हिस्ट्री ऑफ इंडिया को हिस्ट्री ऑफ इंडिया की तरह ही देखना शुरू किया है। इसके पहले हिस्ट्री ऑफ इंडिया को यूपीएससी जो है मॉडर्न इंडिया के तौर पे देखती थी। अब हिस्ट्री ऑफ इंडिया का मतलब है कि एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न, कहीं से भी ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्लियर। तो एक चीज तो एकदम बैठा लीजिएगा अपने जहन में, है ना, कि सारे खंड इंपॉर्टेंट है यदि आप एग्जाम के लिए जा रहे हैं तो। ऐसा नहीं है कि केवल मॉडर्न इंडिया ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव में, तो खास करके
चलिए पहली जानकारी मैंने आपको दे दी है ना। अब जैसे मैंने अभी रखा आपके सामने कि प्राचीन भारत हमें पढ़ना है एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। तो प्राचीन भारत के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं हमें, हम ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं अभी आपसे। जैसे पाषाण काल, अभी थोड़ी देर में हम शुरुआत भी करेंगे इस टॉपिक की, ठीक है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। फिर उसके बाद ताम्रपाषाण काल, फिर वैदिक संस्कृति, वैदिक कल्चर, है ना। इसके पश्चात बुद्ध काल या सूत्र काल, बुद्ध काल या सूत्र काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त काल, गुप्तोत्तर काल और पूर्व मध्य काल। ठीक है, पूर्व मध्य काल। ठीक है, डेट तो चलो मैं पढ़ाने के साथ साथ आपको लिखा दूंगा, कोई इतना इश्यू नहीं है, बट एक आइडिया आपको रह जाए, है ना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, यदि हमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़नी है तो हमें इन टॉपिक्स को कवर करना है। पाषाण काल, हड़प्पा, ताम्रपाषाण, वैदिक, बुद्ध, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर और पूर्व मध्य काल। हम केवल पीटी की बात कर रहे हैं आपसे भी, ठीक है। और कोई भी एक टॉपिक हमें पढ़ना है, एग्जाम्पल देके पहले आप अभी समझ लीजिए आप, है ना। जैसे मान लीजिए हमें मौर्य काल पढ़ना है, तो मौर्य काल की राजनीति हमें पढ़नी है, मौर्य काल की अर्थव्यवस्था हमें पढ़नी होगी, मौर्य काल का समाज और मौर्यकालीन संस्कृति हमें पढ़नी होगी, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हर एक टॉपिक को हमें समग्रता में पढ़ना है। किसी भी काल की जब हम राजनीति पढ़ते हैं तो बहुत बेसिक सी बात उसमें हम पढ़ते हैं, जैसे प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं, साम्राज्य विस्तार के बारे में, वंशावली, किसके बाद कौन राजा हुआ, युद्ध के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। जैसे मान लो मौर्यों के बारे में भी हम पढ़ेंगे आने वाले 6-7 क्लास के बाद, तो क्या पढ़ेंगे उसमें हम, चंद्रगुप्त मौर्य हुआ, बिंदुसार हुआ, फिर अशोक हुआ, ऐसे करके उसके उत्तराधिकारियों के बारे में, वंशावली, कलिंग युद्ध के बारे में या और भी कोई युद्ध के बारे में, प्रशासन के बारे में, साम्राज्य विस्तार के बारे में, यही सब हमें जानना होता है राजनीति में। किसी भी काल की राजनीति में हमें ध्यान रखना होता है, ठीक है। अर्थव्यवस्था में हमें क्या पढ़ना होता है, खेती के बारे में, कृषि, व्यापार, शिल्प, परिवहन, सिक्के, शहर। नोट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, है ना। अर्थव्यवस्था में आपको क्या पढ़ना होता है, कृषि, व्यापार, शिल्प, परिवहन, सिक्के, शहर इत्यादि, ठीक है। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में हम देखेंगे खेती के बारे में, व्यापार के बारे में, ये सब पढ़ेंगे हम, है ना। और सोसाइटी में हमें क्या देखना होता है, वर्ण व्यवस्था के बारे में, जाति प्रथा के बारे में, छुआछूत की क्या स्थिति थी, दशा थी, दास प्रथा, महिलाओं की दशा, कुछ परिवार से संबंधित जानकारी हो,
ठीक है, शिक्षा या कुछ संस्कार वगैरह जो समाज में प्रचलित रहते हैं। किसी भी काल की सोसाइटी में हमें इन सब पहलुओं के बारे में जानना होता है, वर्ण, जाति, छुआछूत, दास प्रथा, महिलाएं, परिवार, शिक्षा, संस्कार, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमें सारे टॉपिक में राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति जितनी जानकारी उपलब्ध हो, जो महत्वपूर्ण जानकारी वो पढ़नी है, वो मैं आपको गाइड करूंगा कि राजनीति में कितना पढ़ना है, अर्थव्यवस्था में क्या पढ़ना है ना। पढ़ना सब होता है, ये समझना एक बार आपके लिए ज़रूरी है, शॉर्टकट वाला मेथड नहीं है ना। अभी देखो, एक संस्कृति वर्ड हमने यहाँ पे यूज किया है ना, कल्चर। अभी हमने देखा सिलेबस में, पीटी के सिलेबस में कहीं भी कल्चर वर्ड नहीं लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत भी किसी को आइडिया होगा आप में से, तो हम सब कहते हैं कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में कल्चर को पढ़ लिया जाए, मैक्सिमम सवाल कल्चर से पूछे जाते हैं। यूपीएससी सवाल कहीं से भी पूछ सकती है, लेकिन कल्चर से पूछे जाने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि उसका रेलिवेंट ज़्यादा है हमारे आज के जीवन में। कल्चर की बात करें हम लोग, संस्कृति की बात करें, तो इसमें पढ़ते क्या हैं अभी ये समझ लीजिए, बाकी आगे और समझाऊंगा मैं आपको। इसमें हम पढ़ते हैं कला, और कला के अंदर हम क्या देखते हैं, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला, शिल्प। कला के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला और शिल्प, ठीक है, जब हम कला की बात करते हैं, है ना। अन्य भी कर सकते हैं, कुछ और भी हो सकता है, संगीत है, नृत्य है, नाटक है, ठीक है, लेकिन ये ब्रॉडली आपको पढ़ना है। ऐसे ही संस्कृति में हमें धर्म के बारे में, शिक्षा के बारे में, शिक्षा को तो सोसाइटी में भी हम ले ही लेंगे, साहित्य के बारे में, विज्ञान से संबंधित यदि कोई डेवलपमेंट हो, ये सब हम पढ़ते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैंने कहा एंशिएंट इंडिया से इस बार करीब 8 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो 8 क्वेश्चंस में 5 या 6 प्रश्न संस्कृति वाले खंड से मिलेंगे आपको। पिछले बार मेडाइवल इंडिया में 8 क्वेश्चंस पूछे गए थे पीटी में 2019 में, तो करीब 5 क्वेश्चन संस्कृति वाले खंड से पूछे गए थे। यानी ये बात सत्य है कि यूपीएससी के प्रीलिम्स में एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री से, कल्चरल हिस्ट्री से ज्यादा प्रश्न होते हैं। बात पहुंच पा रही है आप सभी लोगों तक? नोट रखिएगा, क्योंकि पढ़ना आपको सब है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान आपको कहाँ देना है, कल्चरल हिस्ट्री पे, सांस्कृतिक इतिहास पे। उस पर हम पढ़ते क्या हैं, ये सब पढ़ते हैं। थोड़ा सा संस्कृति के बारे में समझ लीजिए। संस्कृति क्या होता है, वे ऑफ लाइफ होता है, जीवन जीने का तरीका होता है, ठीक है। जैसे हम लोग आज की बात करें, हम तो आज की राजनीतिक संस्कृति क्या है, जैसे मान लो हम बोले, ठीक है, तो आज की राजनीतिक संस्कृति देखोगे तो हम कह सकते हैं सिद्धांतों को कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं देता है। सिद्धांत कहने के लिए है, सत्ता में आना सबकी प्राथमिकता होती है, अवसरवादिता प्राथमिकता होती है, जो वादे किए जाते हैं वो पूरे हो या ना हो इसको देखा जाता है, ठीक है, इस तरह की तमाम बातें आपको दिखेंगी। और आप देखोगे टेक्नोलॉजी वगैरह का बहुत यूज किया जाता है, मतलब आप जो कुछ राजनीति में आप देख रहे हो, सोसाइटी जिस समाज में हम रह रहे हैं, जो कुछ हमें दिख रहा है, आज की आर्थिक गतिविधियां जो हम देख सकते हैं, धर्म के बारे में चूंकि हम जी ही रहे होते हैं, हम साहित्य वगैरह के बारे में, शिक्षा के हम सब पार्ट ही है शिक्षा व्यवस्था के, विज्ञान वगैरह के हम पार्ट हैं, ठीक है, और कला के जो अलग अलग रूप है, बहुत सारे नए नए रूप आ गए उभर करके आज कला के, बट ऐसा नहीं है इमारतें आज भी बनती हैं, पेंटिंग्स का आज भी लोग शौक रखते हैं, मूर्तियाँ आज भी बनती हैं, लोग घर से शौक में भी रखते हैं, हम जो कुछ कपड़े वगैरह जो चीज़ यूज करते हैं वो सब क्राफ्ट शिल्प के तौर पे भी उसको हम जो हाथ से बनाए जाते हैं,
संगीत, नृत्य, नाटक, इन सब का आज भी महत्व बना हुआ है। तो संस्कृति क्या होती है? संस्कृति होती है वे ऑफ लाइफ। तो ब्रॉडली देखा जाए तो ये राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, कला, धर्म, शिक्षा, ये सब संस्कृति का ही पार्ट है। यदि मैं ये कह दूं आपको कि ये सब संस्कृति है, इसको हटा दूं तुम्हें, तब वे ऑफ लाइफ ठीक तरीके से डिफाइन हो पाएगा, जीवन जीने का तरीका। अंतर समझ लीजिएगा, संस्कृति का मतलब है वे ऑफ लाइफ, यानी सारी चीजें उसमें समाहित हो जाती हैं। लेकिन इतिहास की किताबों में संस्कृति वाले खंड में आपको यही मिलेंगे, या जो गाइड वगैरह कल्चर पे चलती है बाजार में या नोट्स वगैरह में आपको यही मिलेंगे। लेखक भी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के जितने भी बड़े बड़े लेखक है कल्चर में यही लिखते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें आज भी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में मौजूद हैं। उस दौर की राजनीति, उस दौर की अर्थव्यवस्था का हमारे जीवन में ज़्यादा महत्व नहीं है। सोसाइटी का तो काफ़ी कुछ महत्व है उस दौर के, बट कल्चर का बहुत ज़्यादा महत्व है। आप कोई भी एग्जाम्पल उठा करके देखोगे, मान लो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूपों की बात कर लें, हम विहारों की बात कर लें, हम चैत्य की बात कर लें, न केवल उस काल को जानने का, बुद्ध की शिक्षाओं को जानने का, बल्कि आज भी टूरिस्ट के दृष्टिकोण से देखें, बुद्धिस्ट राष्ट्रों के दृष्टिकोण से देखें, सांस्कृतिक पहचान के तौर पर देखें, एक पुरानी संस्कृति वाले राष्ट्र के रूप में देखें, तो कई तरह से हमारी पहचान बन जाती है। तो दोनों बातें समझना जरूरी, संस्कृति क्या है, आज जो कुछ हो रहा है वो सब संस्कृति का पार्ट है उस दौर में भी। बट हम पढ़ते इसी को क्यों बहुत ज्यादा हैं? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है हमारे लिए। यूपीएससी में रेलिवेंसी का बहुत ध्यान रखा जाता है, कितनी सार्थकता है उसके टॉपिक का। ठीक है, कितनी सार्थकता है उसका ध्यान रखा जाता है। जैसे अब इसमें हम आगे बात करेंगे कला, स्थापत्य, है ना? ठीक है, तो कला यानी क्रिएशन। कला क्या होता है? क्रिएटिविटी होती है, क्रिएशन होता है। उसमें सौंदर्य का भी पहलू हो सकता है, उसमें उपयोगिता की भी पहलू हो सकती है। जैसे शर्ट किसी ने बनाया, ये भी एक कला है। अच्छा दिख रहा तो सौंदर्य का पहलू, उपयोगिता तो है ही, किसको पहने हुए हम, ठीक है, हम लोग पहनते हैं इसको, है ना? तो कला के भी बहुत सारे पहलू होते हैं। जब हम टॉपिक पे आएंगे तो आपको वन बाय वन मैं डिफाइन कर दूंगा पढ़ते कैसे, लेकिन पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सिलेबस को देखना कैसे है। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कुछ चीजें जो शुरुआत की हैं वो बैठनी शुरू हो गई हैं आपके, कि क्या पढ़ना है हमें। अभी एंशिएंट हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मेडाइवल नहीं, शुरुआत यहीं से करना है हमें, है ना? वो भी पीटी वाले सिलेबस में, पीटी के सिलेबस में। नोट कर लिया आप सभी लोगों ने, टॉपिक हमें ये पढ़ने हैं। किसी भी टॉपिक में इतने सारे पहलू हमें पढ़ने होते हैं, है ना? इतने सारे पहलू हमें पढ़ने होते हैं किसी भी टॉपिक में। और संस्कृति का मतलब क्या होता है? बट इतिहास की किताबों में संस्कृति हम पढ़ते कहाँ हैं? क्योंकि संस्कृति वर्ड सबसे ज़्यादा आपको पीटी में और मेंस में मिलेगा, तो ये पता भी होना चाहिए सिलेबस में है भी या नहीं है। ठीक है, चलिए, एक पहलू तो मैंने बताया आपको। अब हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे थोड़ा मेंस का सिलेबस हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, मेंस का सिलेबस क्या है? मेंस में लिखा हुआ पढ़ने के लिए आपको कल्चर एंड हेरिटेज, संस्कृति एवं विरासत, ठीक है, और इसके अंदर क्या पढ़ने के लिए कहा गया है ये छोड़ दिया गया, ठीक है, ऐसे लिखा गया और कह दिया गया है प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक। यानी प्राचीन काल, मध्य काल और आधुनिक भारत, ठीक है, तीनों काल के संस्कृति और विरासत का अध्ययन करना है।
क्लियर, तीनों काल के संस्कृति व विरासत का अध्ययन करना, प्राचीन, मध्य और आधुनिक, ठीक है। और कंप्लीट पढ़ना है हमें संस्कृति, जैसे मान लो मौर्यकालीन संस्कृति में हमें पूरा पढ़ना है, सिलेबस में नहीं लिखा हुआ, मौर्योत्तरकालीन पूरा पढ़ना है, गुप्तकालीन पूरा पढ़ना है हमें, ठीक है, वो एक ही लाइन में कह दिया गया है। और सिलेबस में हाईलाइट किसको किया गया है, संस्कृति में भी हाईलाइट किसको किया गया है, उसमें कहा गया है कला पढ़िए, स्थापत्य पढ़िए और साहित्य, यानी हमें कंप्लीट संस्कृति का अध्ययन करना है, बट उसमें हाईलाइट किसको किया गया है, कला को, स्थापत्य को और साहित्य को। मॉडर्न वाले सिलेबस में भी याद होगा कुछ कुछ चीजों को सिलेबस में हाईलाइट कर दिया जाता है, बाकी जनरल बातें कह दी जाती है, पढ़िए आप। तो अब जैसे मान लो ये हमारा मेंस का सिलेबस है, और एवरी ईयर मेंस में भी आप मान के चलो एक दो प्रश्न आपको तो मिलेंगे ही मिलेंगे पेपर वन में, कभी कभी ज्यादा भी क्वेश्चन होते हैं, बट एक दो क्वेश्चन तो नॉर्मल सी बात है। अब आप मतलब बताओ इस एस्पेक्ट को यहाँ पे आप देखोगे, जैसे मान लो अब हमने रखा सपोज दैट हमें प्राचीन भारतीय संस्कृति पढ़नी है ना, प्राचीन भारत की संस्कृति व विरासत का अध्ययन करना है, सिलेबस का पार्ट हो गया ये। तो हमें क्या पढ़ना है, इस 10 के 10 टॉपिक की संस्कृति और विरासत पढ़ना है, ऐसे सिलेबस में लिखा हुआ कहीं नहीं है। ऐसे ही मिडिवल इंडिया का सिलेबस जब मैं भी बना दूंगा, बता दूंगा आपके सामने, तो मिडिवल इंडिया के जितने भी ब्रॉड टॉपिक है सबकी संस्कृति और विरासत पढ़नी है आपको। और मेंस में जो प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृति में, केवल इससे ही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, मेंस में कई बार क्या होता है टॉपिक पे भी डिपेंड करता है। मेंस में कभी सोसाइटी से, इकोनॉमी से, राजनीति की भी जरूरत पड़ती है, यानी यूपीएससी संस्कृति की जो क्वेश्चन मेंस में पूछ रही है वो वे ऑफ लाइफ के तौर पर पूछ रही है, न कि केवल कला, धर्म, शिक्षा, साहित्य और विज्ञान के तौर पर। ठीक है, न केवल कला, धर्म, विज्ञान के तौर पे। अभी मैं बताऊंगा मनीष किताब के बारे में, है ना, क्या मेरी बात समझ में आ रही है, अभी समझ लेना, बाद में कंफ्यूजन कई बार होते रहते हैं, मैं बात भी करता रहूंगा आपसे, बट मैं बार बार कहता हूं कि एक बार सिलेबस को समझ लेते हैं ना, कि हाँ ये है ये नहीं है, या इसको ये देखना है इस तरह से। सिलेबस क्या है, इंडिकेटिव ही तो है, लिख दिया गया, हम क्या समझें नहीं समझें। तो यदि केवल हम प्राचीन भारतीय संस्कृति और विरासत की बात करें तो ये 10 के 10 टॉपिक की संस्कृति हमें पढ़नी है। ठीक है, तो अब इतना डिटेल में सिलेबस तो है नहीं, सिलेबस तो एक लाइन के अंदर है। तो संस्कृति तो मैंने आपको समझा ही दिया, अभी आपको वे ऑफ लाइफ होता है, ऐसे एक वर्ड यूज किया गया है विरासत, हेरिटेज, मतलब कि हेरिटेज का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो अपना एग्जाम्पल हम लोग लें तो दादाजी ने क्या छोड़ा हम लोगों के लिए, पिताजी ने क्या छोड़ा है विरासत, मूर्त भी हो सकता है अमूर्त भी हो सकता है। मूर्त का मतलब एक तरह से भौतिक चीजें हो गई जिसको हम छू सकते हैं, है ना, जैसे मान लो जमीन छोड़ा है, मकान है, गाड़ियां हैं, बैंकों में बहुत सारे पैसे रख कर गए हैं, ये सब क्या हो गया, एक तरह से मूर्त विरासत हो गया। ठीक है, अमूर्त में क्या होता है, क्या क्या अच्छी आदतें या बुरी आदतें सिखा के गए हैं, कि नहीं प्यार से रहना है तो बहुत अच्छी बात है, सिखा के गए नहीं हर स्थिति में लड़ना ही है, ठीक है, डरना नहीं है, है ना, तो किस तरह के आचरण आदतें हमें, तो मूर्त और अमूर्त। वैसे ही क्या होता है, किसी भी दौर में जैसे मान लो मौर्य काल की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति जब हम पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद हम रुक करके ये देखेंगे कि मौर्य काल की कौन कौन सी चीजें या तो बाद के काल में या आज भी हमारे जीवन में है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे, अशोक हमेशा कहता था अहिंसा के रास्ते पे चलने के लिए, और आज भी हमारी विदेश नीति में या हमारी नीति में अहिंसा, प्रेम, मित्रता को ज्यादा महत्व।
अशोक कहता था एक शासक को प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहना चाहिए। आज कल्याणकारी राज्य है, ठीक है, हम सीधे सीधे अशोक की शिक्षा को नहीं ले रहे हैं, बट उस दौर की कौन कौन सी चीजें बाद के काल में या आज के काल में महत्व रखती हैं। मेंस में कल्चर से ज्यादा यूपीएससी ने विरासत पे सवाल पूछे हैं 2013 से 2020 के सवाल तो अभी आने हैं, अभी जनवरी में है ना। क्लियर, बात समझ में आ रही सभी को? विरासत का मतलब भी क्लियर है सभी को? मूर्त और अमूर्त, प्राकृतिक और सांस्कृतिक, और भी इसके डिवीजन है यूनेस्को के साथ, थोड़ी बहुत मैं बता दूंगा आपको जब आगे बात करूंगा मैं कंटेम्प्रेरी कल्चर की आपसे, फिलहाल तो इतना ही समझ लीजिए आप। तो मेंस का सिलेबस क्या है? संस्कृति और विरासत। जैसे आप लोगों ने मॉडर्न इंडिया कुछ समय पहले ही हम लोगों ने कम्प्लीट किया था, और बीच में थोड़ा ब्रेक वगैरह ही होता है, तो उसका रीज़न भी है, थोड़ा हेल्थ वगैरह के इशू बहुत सारे रह रहे हैं, कोविड का दौर है, और कोरोना के प्यार मेरे ऊपर भी रहा है, कोरोना का है ना, बहुत लंबा रहा है प्यार, है ना, पूरे परिवार के साथ मैं भी विश्राम पे था बहुत लंबे समय से, है ना, तो ये तो समझ में आ ही गया कि कोरोना ठीक है ना। तो ऐसे ही बहुत सारी चुनौतियाँ, मतलब अब दिल्ली में तो खास करके केसेस बहुत ज़्यादा थे, और आसपास बहुत सारी चुनौतियाँ रही हैं यहाँ पे अभी, है ना। खैर उससे कोई, वो एक अलग चीज़ है, मैं बस आपसे शेयर कर रहा हूँ ऐसे ही। तो जैसे मॉडर्न इंडिया हमने पढ़ा है ना, अब मान लो आज हम लोग बात करें अंग्रेजों की विरासत क्या है। जैसे आज भारत में कानून का शासन है, इस परंपरा की शुरुआत किसने की? अंग्रेजों ने। संविधान के द्वारा शासन किसने शुरू किया? अंग्रेजों ने, ठीक है। लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरुआत अंग्रेजों के समय, निर्वाचन की शुरुआत अंग्रेजों के समय, सैद्धांतिक तौर पर समानता स्वतंत्रता के विचार अंग्रेजों के समय, ठीक है, प्रेस की आज़ादी अंग्रेजों के समय, ये सब चीज़ें थी। थोड़ा और इसको हम लोग कंक्रीट फॉर्म में देखें, थोड़ा और भी, जैसे आप जिस सेवा की तैयारी कर रहे हैं प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर, योग्यता के आधार पर, किसके समय? अंग्रेजों के समय। सरकारें आती हैं और जाती हैं, लेकिन आप अपनी जगह पर अस्थायी तौर पर, गवर्नर जनरल आते थे और जाते थे, बट ICS ऑफिसर रहा करते थे। आधुनिक सेना और सेना को राजनीति से अलग रखने की परंपरा अंग्रेजों ने शुरू की। ये क्या है? अंग्रेजों की राजनीतिक विरासत है सकारात्मक सेंस में। विरासत सकारात्मक भी होते हैं, विरासत नकारात्मक भी होते हैं। इसलिए हमने एग्जांपल दिया ना, दादाजी ने समझाया हमें, सिखाया, लड़ना है, धोखा सबको देना है, ठीक है, है ना, एक इंच अपनी जमीन नहीं छोड़नी चाहिए जितना भी केस लड़ना पड़े। तो ये क्या है? नकारात्मक तरीके से हमें संस्कार मिल रहे हैं, और प्रेम से रहना है, दया से रहना है, उदारता से रहना है, त्याग करना है, भाईचारा, इस तरह के गुण मूल्य हमें परिवार में मिल रहे हैं, समाज में मिल रहे हैं। तो वैसे ही अंग्रेजों के ये राजनीतिक विरासत सकारात्मक है, बट अंग्रेजों ने ये जो कुछ भी किया अपने फायदे के लिए किया था। भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत करी तो अपने फायदे के लिए करी थी, ताकि हमें उलझा करके रखना उसमें। लोकतांत्रिक राजनीति में जाति धर्म क्षेत्र के नाम पर लड़ाना, पृथक निर्वाचन इंट्रोड्यूस करना, ये सब आपने पढ़ा है मॉडर्न इंडिया में। कानून वो अपने फायदे के लिए बनाते थे ब्रिटिश संसद में, ना कि हम बनाते थे। सिविल सेवक और पुलिस अधिकारी को ट्रेनिंग दी जाती थी कि कैसे शासन किया जाता है। लोगों में और अधिकारियों में एक तरह से मालिक और गुलाम वाला रिलेशन होता था। लोकतंत्र में क्या है कि अधिकारी को देख करके हमारा हौसला बढ़ना चाहिए, आज भी अधिकारी को देख करके आम व्यक्ति का हौसला डाउन हो जाता है, ये क्या औपनिवेशिक मानसिकता है। तो राजनीति में फूट डालो और राज करो, ये क्या है? अंग्रेजों ने नकारात्मक विरासत छोड़ी है। समझ में बात आ रही है क्या सभी को? मेरी तरफ देख रहे हैं सभी लोग, ठीक है। अंग्रेजों ने ये नकारात्मक विरासत छोड़ी है, तो
इस तरह से ना विरासत को पढ़ते हैं, तो विरासत ना बहुत अपने आप में अप्लाइड होता है। एक बार थोड़ा बहुत किताबी ज्ञान आपको मैं दे दूंगा तो फिर आप उसको आराम से अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। मतलब बहुत मज़ेदार चीज़ है विरासत, और मज़ा भी आएगा आपको पढ़ने में। विरासत ऐसा है कि वो कनेक्ट करेगा अपने आप को हम लोगों को। तो संस्कृति का मतलब क्या होता है मेंस में, विरासत का मतलब क्या है मेंस में, ये क्लियर कर दिया मैंने आपको। विरासत सकारात्मक भी हो सकते हैं, नकारात्मक भी हो सकते हैं, ये भी समझा दिया मैंने आपको। थोड़ा पूरे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक पढ़ना है हमें। 90% आधुनिक काल की चीज़ें हमने पढ़ ली। जैसे मान लो शिक्षा पढ़ा था हमने मॉडर्न इंडिया में, संस्कृति का पार्ट है। सोशियो रिफॉर्म मूवमेंट हमने पढ़ा था, संस्कृति का पार्ट है। मैं आपको आर्किटेक्चर और पेंटिंग पढ़ाऊंगा मॉडर्न इंडिया में एक क्लास में, अभी जो क्लासेस चलेंगे, तो मॉडर्न इंडियन कल्चर हो जाएगा हमारा, ठीक है। और एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री तो पूरा पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे भैया। इसमें अलग से कह रहा है कला, स्थापत्य और साहित्य पढ़ने के लिए मेंस में। कला में स्थापत्य, चित्रकला, मूर्तिकला। यदि मौर्य काल पढ़ेंगे तो मौर्यकालीन कला, हड़प्पा पढ़ेंगे तो हड़प्पा कला, ऐसे पढ़ेंगे इसको। कला का ही एक पार्ट होता है स्थापत्य, आर्किटेक्चर, ये जो इमारतें बनी हुई हैं, ताजमहल, लाल किला। चित्रकला के बारे में आप सब जानते हैं, मूर्तियां जो बनती हैं, शिल्प जो हाथ से बनी हुई वस्तुएं हैं। मेन तो आपको यही तीनों पढ़ना है। और एंशिएंट हिस्ट्री में तो आपको स्थापत्य ही पढ़ना है और मूर्तिकला, चित्रकला तो अजंता और थोड़े बहुत भीमबेटका वगैरह में पढ़ना है। क्लियर। कला का ही पार्ट होता है स्थापत्य और साहित्य पढ़ना है। मैं यहां दो शब्द से आपका परिचय करा रहा हूं, है ना। कभी कभी ना कंफ्यूजन होता है कि ब्रीदिंग ठीक चल रहा है नहीं चल रहा है ना। कोरोना का ऐसा इंपैक्ट है, चेक करते रहना पड़ता है। तो दो चीजों से मैं आपको अवेयर करा रहा हूं। हम जितनी भी टॉपिक पढ़ेंगे ना अभी, हम एंशिएंट हिस्ट्री में या मेडाइवल हिस्ट्री में, इन सब के स्रोत होंगे, सोर्स होंगे। ठीक है। हमें पाषाण काल के बारे में कैसे पता चलेगा? जैसे मान लो पाषाण काल है 5 लाख ईसा पूर्व से, हम इसको दे देते हैं मान लो 2000 ईसा पूर्व तक। ठीक है। बीसी और एडी का मतलब तो जानते होंगे आप सभी लोग। चलिए मैं भी फिर बता दूंगा आपको एक बार, नहीं भी जानते हो एक बार रिवीजन हो जाएगा आपका। तो इस काल के बारे में या मौर्यों के बारे में ले लीजिए, हम अशोक के बारे में जानते कैसे हैं किसी के बारे में। तो स्रोत दो तरह से हैं, एक पुरातत्व और एक साहित्य। पुरातत्व क्या होता है? जो भौतिक अवशेष होते हैं, जैसे मान लो कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा टीला है, माउंड है, जब उसको साफ सफाई करोगे तो देखोगे उसमें बहुत सारे बर्तन, घरेलू उपकरण, ईंटें, तमाम लकड़ी वगैरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। शायद कोई लोग रहते होंगे वहाँ पे, है ना। हम लोग भी ऐसा करते हैं, जब एक मकान छोड़ के दूसरा मकान बनाते हैं कई बार, धीरे धीरे धूल धक्कर और गंदगी वगैरह फेंकते फेंकते वो माउंड का रूप ले लेता है। 200 साल बाद कोई उसको हटाएगा, देखेगा तो बहुत सारी चीज़ें उसमें हो सकता है मिले, जो नुकसान जो मिट सकती हैं वो मिट जाएंगी प्रकृति के साथ साथ, जो रह सकती हैं वो सर्वाइव करेंगी, है ना। तो प्राचीन काल के जितने भी भौतिक अवशेष हैं, ठीक है, उसको हम पुरातात्विक स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, पुरातात्विक स्रोत, भौतिक अवशेषों को। क्लियर। और जो उस दौर की किताबें हैं, बुक्स हैं, जो उस दौर में लिखी गई हैं, उसको हम साहित्यिक स्रोत कहते हैं। तुम कोई भी काल का अध्ययन कर रहे हैं, अंग्रेजों के बारे में हमने इतना पढ़ा, तो आज अंग्रेज नहीं है ना, अंग्रेजों के बारे में हमने इतना पढ़ा उस दौर की किताबों के आधार पर। हम जितना बाद में आएंगे ना, जितना लेटेस्ट, जैसे मान लो राष्ट्रीय आंदोलन में, तो राष्ट्रीय आंदोलन के तो
भाग लिए हुए लोग आज भी जीवित हैं। तो जितना हम नजदीक आएंगे स्रोत हमारे पास उतने अधिक होते हैं। मान लो आज से 50 साल के बाद या 30 साल के बाद धड़ल्ले से नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना का पढ़ाया जाएगा, 15 साल के बाद हम उस दौर में हैं। जितना पीछे की तरफ जाएंगे ना सोर्स का संकलन उतना ही चुनौतीपूर्ण होता है। तो किसी भी काल को हम जानते कैसे हैं, स्रोत के आधार पर। ये जो आपका पहला 3 टॉपिक है इसको हम केवल वनली आर्कियोलॉजी के आधार पर, केवल भौतिक अवशेषों के आधार पर, उस दौर का कोई भी साहित्य उपलब्ध नहीं है। और नीचे के जो आपके 7 टॉपिक हैं, ठीक है, इसको हम लोग साहित्य और पुरातत्व दोनों आधार पर, जैसे मान लो वैदिक काल पढ़ेंगे हम, तो चारों वेद आज भी उपलब्ध है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, चारों वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं, आरण्य ग्रंथ हैं, उपनिषद ग्रंथ हैं, सैकड़ों की संख्या में पुस्तकें उपलब्ध हैं उस दौर की। तो वेदों के आधार पर उस काल को हम पढ़ते हैं, इसलिए उसको वैदिक संस्कृति कहते हैं। बुद्ध काल में आ जाएंगे, बहुत सारी बौद्ध धर्म से जुड़ी हुई त्रिपिटक, सुतपिटक, अभिधम्म पिटक, जैन धर्म से जुड़ी हुई किताबें, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई किताबें, बहुत सारी किताबें मिलेंगी आपको इस दौर। तो हर दौर में वैदिक काल से लेकर के आज तक हम जितना भी पढ़ते हैं, समझो 90-95% हम साहित्य के आधार पर पढ़ते हैं। तो जब भी हम किसी टॉपिक का अध्ययन करेंगे, हम जैसे मान लो हम वैदिक काल का अध्ययन करेंगे, तो वहीं पर आपको साहित्य का परिचय दे देंगे। तो आप देखोगे साहित्य लिखा हुआ अलग से सिलेबस में, और साहित्य पे 2-2 प्रश्न मेंस में पूछे भी गए हैं, वो सब आप समझ लोगे जब पढ़ने लगोगे। 13 से लेके अभी तक 19 के बीच में 2 प्रश्न पूछे जा चुके हैं मेंस में। पीटी में भी ऑन एन एवरेज मान के चलो 1-1 क्वेश्चन साहित्य पे आ ही जाता है। तो टॉपिक के साथ साथ ही हमारा साहित्य भी तैयार हो जाएगा, यानी संस्कृति में हमें साहित्य भी पढ़ना है, उसको हम सोर्स के रूप में भी देख लेंगे, और थोड़ा मेंस में भी आपको ये बहुत हेल्प करेगा। आ रही बात समझ में सभी को? स्रोत पुरातत्व हो गए और साहित्यिक हो गए, भौतिक अवशेष जो उस दौर के मिलते हैं ना, जैसे मान लो कुछ भी चीजें हैं, सांची का स्तूप है वो पुरातत्विक स्रोत है, अशोक का स्तंभ है वो आर्कियोलॉजिकल सोर्स है। ऐसे बहुत सारी बातें आपको अभी पढ़ने के दौरान, तो कोई भी टॉपिक हम कैसे पढ़ेंगे, सोर्स के आधार पर पढ़ेंगे। और 2-3 बातों को और समझ लीजिए, जैसे अभी हमने कहा BC और AD, ठीक है, वैसे तो BC का जो सेंस होता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट, ईसा के जन्म के पहले, और AD होता है ईसा के साथ। वैसे मैंने कहा 500,000 BC, आज हम लोग 2020 AD में हैं। 2020 तो हम लोग कभी भूलेंगे नहीं अपने जीवन में, है ना, आने वाली पीढ़ी भी इसको याद रखेगी। तो ईसा के बाद 2020 साल इधर और 500,000 साल पहले, यानी आज से 500,000 2020 साल पहले, ठीक है, BC और AD, हालांकि इसके लिए अब दूसरे तरह के टर्म भी अब यूज होते हैं, जैसे AD के लिए यूज होते हैं कॉमन एरा, और BC के लिए यूज होते हैं बिफोर कॉमन एरा BCE यहाँ पे यूज होता है। बट इस टेक्निकल चीज़ों से आपको कोई लेने देना नहीं है, यहाँ पे कॉमन एरा AD की जगह यूज होता है। किताबों में ईस्वी मिलेंगे और ईसा पूर्व मिलेंगे आपको, और थोड़ी समस्या रहती है ईसा को जन्म को लेकर, लेकिन मान लिया गया तो मान लिया गया, इसमें क्या करना है हमें, है ना, यही पूरी दुनिया में चलता है, तो हम भी इसको फॉलो करते हैं, आप भी इसको फॉलो करेंगे, है ना। इसी में 2 बातें और समझ लीजिए आप। स्रोत का मतलब तो क्लियर है ही ना, 2 कैटेगरी हो गई, बता ही दिया हमको।
पीटी के सिलेबस, मेंस के सिलेबस सबको कैसे पढ़ना, ये सब भी समझा दिया मैंने आपको, है ना। मैं चाहता हूँ आपको सिस्टम एक बार क्लियर हो जाए तो फिर पढ़ाने का कार्यक्रम करें हम लोग, है ना। और एक दो वर्ड आपको थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए, बहुत दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ, है ना, फिर आपको याद दिला दूँ मैं इतिहास क्या है। कम से कम एटलीस्ट बताने की स्थिति में रहिएगा आप, है ना। अभी देखो क्या पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल, मॉडर्न। इतिहास क्या है? अतीत का अध्ययन है वैज्ञानिक तरीके से, ऐसा नहीं कि एकदम मनमाने तरीके से हम कुछ भी पढ़ते हैं, मनमानापन भी होता है इसमें, इसको लेके विवाद होता है वैज्ञानिक तरीके को लेकर के, उसमें भी छोड़िए आप, बट आप जो पढ़ रहे हैं ना उसी को डेफिनेशन बना लीजिए। अतीत का अध्ययन है वैज्ञानिक तरीके से, निरंतरता और परिवर्तन, एक काल से दूसरे काल में क्या चीज़ें आगे चली, क्या बदल गई, इस काल की कौन सी चीज़ें इस काल में, इसकी कौन सी चीज़ें इस काल में, ऐसे करके हम पढ़ते हैं। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, अतीत का अध्ययन है निरंतरता परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए वैज्ञानिक तरीके से। और एक काल विभाजन आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन जैसे हमने कहा प्राचीन काल, मध्य काल, आधुनिक काल, इसका आधार क्या होता है डिवीजन का, ठीक है। इसका आधार एक तो होता है सुविधा, कन्वीनियंस, ठीक है, और दूसरा होता है उस दौर की समाज व संस्कृति में परिवर्तन। जैसे मान लो हम प्राचीन काल की जगह मध्यकाल आ रहे हैं, मध्यकाल की जगह, एक तो सुविधा के कारण इसको कहते हैं हम, दूसरा हम क्या कहते हैं उस दौर की राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज, संस्कृति में जब बड़े बदलाव आते हैं, तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे हैं सपोज दैट हम, है ना। तो एंशिएंट हिस्ट्री को मैंने कहा कि 5 लाख ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई चाहे तो इसको 1000 ईस्वी तक भी पढ़ता है, कोई चाहे तो इसको 750 ईस्वी तक भी पढ़ता है। 750 तक यदि पढ़ रहा है वो एंशिएंट हिस्ट्री को, तो उसका लॉजिक है अपने, 1000 तक पढ़ रहा है तो उसका अलग लॉजिक है, 1200 तक पढ़ता है, हम 1200 तक लेके चल रहे हैं इसको। सुविधा, कन्वीनियंस, प्राचीन काल, एक पीरियड का निर्धारण हमने किया, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें प्राचीन और मध्यकाल में, जैसे एक मुस्लिम शासन वर्ग, इस्लामिक शासक वर्ग आ जाएगा भारत में, एक नया धर्म आएगा, नया कला, खानपान, बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी 1200 ईस्वी के बाद, हमने उसको एक नया परिवर्तन के तौर पे देख लिया है। अब जैसे मान लो ये प्राचीन काल हम पढ़ रहे हैं ना, प्राचीन काल में भी देखो अलग अलग काल है, पाषाण काल, हड़प्पा काल, ताम्रपाषाण काल, एक काल के भीतर भी काल विभाजन होता है सुविधा के लिए और परिवर्तनों के आधार पर, सेम डेफिनेशन, क्लियर। तो आप बता ही सकते हैं बीसी एडी के बारे में, है ना। रुक जाइए जरा पानी पी लूं। तो बीसी एडी का मतलब बताया, इतिहास क्या है वो बताया, स्रोत क्या होता है वो बताया, पुरातत्व साहित्य को कैसे पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ यूज करेंगे, है ना, उसके बारे में चर्चा करी, काल विभाजन क्या होता है वो भी आपको हमने अभी बताया, है ना। एक वर्ड आपको एंशिएंट हिस्ट्री में और मिलेगा, जैसे एक वर्ड होता है प्राक इतिहास, प्री हिस्ट्री, एक होता है आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है इतिहास,
जैसे हम कहते हैं इतिहास, तो ये माना जाता है 6th century BC से लिखित साक्ष्य या लिखावट के प्रमाण, मिलने लगते हैं। वैसे तो वैदिक काल से ही मिलने लगता है हमें। तो जिस दौर से हमें लिखित साक्ष्य या लिखावट के प्रमाण मिलने लगते हैं, लिखित साहित्य मिलने लगते हैं जिस दौर के, है ना, वहां से हम इतिहास, कभी इसको 1500 BC भी कर दिया जाता है, कभी 600। और जिस दौर का हमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, जैसे पाषाण काल, हड़प्पा काल, ताम्रपाषाण काल, जिस दौर का हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, ठीक है, क्लियर, जिस दौर का हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलता है, उसको हम प्री हिस्ट्री कहते हैं। तो अब इन तीनों टॉपिक को हम प्री हिस्ट्री भी कह सकते हैं, और वैदिक काल से आगे हम हिस्ट्री, इतिहास, एक डिवीजन है ये भी साक्ष्य के आधार पर, कभी वर्ड यूज होगा, या किसी काल के बारे में हमें लिखित साक्ष्य तो मिलते लेकिन अब तक पढ़ा नहीं गया, जैसे हड़प्पा, हड़प्पा के बहुत सारे लिखित साक्ष्य मिलते हैं बट पढ़ा नहीं जा चुका है अब तक उसकी लिपि को, उसको हम प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, आद इतिहास कहते हैं। वैसे तो क्वेश्चन से इसका संबंध मुझे डायरेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा यूपीएससी में, बट किताबों में ये शब्द कभी कभी यूज किए गए हैं, तो आप थोड़ा बहुत बस जानते रहेंगे, तो ये भी एक तरीका है इसको समझने देखने का, ठीक है। अब हम लोग सोर्स पे आ जाएंगे, है ना, पढ़ना क्या है। ये जो पूरा एंशिएंट हिस्ट्री हमने रखा हुआ है यहाँ पे सामने में, एक राम शरण शर्मा की किताब पढ़नी है आपको मेरे साथ, प्राचीन भारत, ठीक है, बस। और अपना स्टडी मटेरियल जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताऊँगा आपको, यूज करिएगा। इसके अलावा मेरे साथ साथ क्लास लेक्चर पे ध्यान दीजिएगा एंशिएंट हिस्ट्री में, और भी कुछ चीज़ें बतानी होंगी तो मैं आगे बता दूंगा। फिलहाल तो यही किताब, फिलहाल क्या, यही किताब हमेशा ही पढ़ने के लिए रखना आपको अपने पास। कहीं कहीं कुछ रेफरेंस वगैरह मैं बताऊँगा, उसकी ज़रूरत अभी है नहीं आपको, ठीक है, आप बस मुझे फॉलो करते रहिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना। तो हम लोग एक बार सम अप कर लेते हैं, फिर थोड़ा मेडिवल इंडिया का छोटा सा एक परिचय दे दूंगा मैं आपको, और फिर हम पहले टॉपिक पे आ जाएंगे पाषाण काल पे। सम अप कर लेते हैं एक बार हम लोग, है ना। पीटी का सिलेबस क्रिस्टल क्लियर, ट्रेंड क्लियर, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में क्या है पीटी में पूछा जा रहा है, कैसे पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री का, एक पूरा खाका दिया आपको। कल्चर इंपॉर्टेंस वाकई रखता है पीटी में भी, लेकिन केवल कल्चर ही नहीं, ठीक है, और कल्चर का मतलब क्या होता है, क्यों कल्चर में उसको पढ़ते हैं, सारी बातें बताई। मेंस का सिलेबस क्लियर कर दिया मैंने आपको, कल्चर हेरिटेज और क्या पढ़ना है इसमें, एग्जांपल्स वगैरह भी देके बता दिए मैंने आपको। और क्लास जो होगा फिर एक बार हमारा इंटीग्रेटेड होगा, जैसे हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं तो इसी में हमारा, जैसे मॉडर्न इंडिया में इंटीग्रेटेड था हमारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों, सेम हेयर, वो मेरा काम है इंटीग्रेट करना, है ना, वो मैं कर लूँगा इसमें, ठीक है, यही अप्रोच भी होगा हमारा। और एंशिएंट हिस्ट्री का सोर्स भी मैंने आपको बता दिया है ना। ऐसे ही से 1750 इसमें एक हम लोग पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत, 1206 से 1526, ठीक है, इसमें 30-32 शासकों का परिचय होगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया, ऐसे करके। और दिल्ली सल्तनत में हमें क्या पढ़ना है, राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। जैसे कुतुब मीनार का नाम हम सब लोग जानते हैं ना, कुतुब मीनार इसी दौर में बना है दिल्ली सल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश के द्वारा। तो सेम पैटर्न पे हमें दिल्ली सल्तनत पढ़ना है, ऐसे ही हमें पढ़ना है क्षेत्रीय राज्य,
14वीं से 16वीं सदी। दिल्ली सल्तनत एक इस्लामिक राज्य होगा जो धीरे धीरे बहुत एक विशाल राज्य के रूप में भारत में स्थापित करेगा अपने आप को। मध्य एशिया से आए हुए आक्रमणकारी इस्टैब्लिश कर लेंगे यहाँ पे, फिर उसका विघटन हो जाएगा, भारत छोटे छोटे राज्यों में बंट जाएगा, उसको क्षेत्रीय राज्य कहते हैं। उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। इसी में एक बहुत फेमस है जिसपे यूपीएससी प्रायः सवाल पूछती है, विजयनगर, अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर एक दौर ऐसा आएगा जब मुगल वंश के बारे में पढ़ेंगे हम, 1526 से 1707 और 1858, ठीक है। 1858 तक तो खैर हमें पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, वो तो पढ़ चुके हैं हम। 1707 तक यानी बाबर से लेकर औरंगजेब तक। मुगल वंश में हमें क्या पढ़ना है? राजनीति, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। सल्तनत में भी सेम पढ़ना है, क्षेत्रीय राज्य में भी सेम पढ़ना है हमें। यानी यही पढ़ने का पैटर्न होगा हमारा पीटी में, ठीक है, यही पढ़ने का हमारा पैटर्न होगा। और इसी में हमारा मेंस का भी कवर होता चला जाएगा। मेंस में तो भी बहुत सारी बातें आपको और बताऊंगा, समझाऊंगा मैं, बट एक खाका एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री में हम ये पढ़ने जा रहे हैं। जब ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा, तो मॉडर्न इंडिया यानी अंग्रेजों के समय के आर्किटेक्चर, थोड़ी पेंटिंग उस दौर में क्या थी, और कुछ कंटेम्प्रेरी कल्चर के बारे में भी, डांस के बारे में, म्यूजिक के बारे में, और हमारी कल्चरल जो चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, यूपीएससी के सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं, मतलब हम कवर करेंगे उसको, ठीक है, हम उसको कवर करेंगे हम एक आधा क्लास में। तो ये है हमारा सिलेबस जो हम पढ़ने जा रहे हैं। आप एक काम और कर सकते हैं कि मिडाइवल इंडिया में एक किताब आती है सतीश चंद्र की, आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, बाद में भी ले सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं आपको किताब की। उसमें कुछ चैप्टर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, मैं गाइड कर दूंगा आपको। क्लास नोट्स पे ही आपको मेन ध्यान देना है, ठीक है। मिडाइवल इंडिया में सतीश चंद्र की किताब आती है, वो थोड़ा यूजफुल हो सकता है, बट जब हम लोग आएंगे तब देखेंगे हम लोग इसमें। एक और काम कर सकते हैं आप लोग, आप लोग जो गूगल वगैरह सब लोग यूज़ तो कर ही रहे हैं आज के रेट में, आप क्या करिएगा, एक यूनेस्को के द्वारा भारत में जितने भी सांस्कृतिक स्थलों को वैश्विक विरासत स्थल घोषित किया गया है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। उन सारे स्थलों का जिक्र भी हम एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री में आएगा, मैक्सिमम का, कुछ का तो नहीं आएगा लेकिन आएगा। तो यूनेस्को ने जिसको जिसको बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, उस पर कभी भी प्रश्न पूछे जाने की भी संभावना रहती है। तो इसी से क्या होगा ना, आपको थोड़ा बहुत याद भी होता चला जाएगा। अभी आप कर लेंगे तो जैसे मान लो पाषाण काल पढ़ रहे हैं हम, भीमबेटका की बात करेंगे हम, मध्य प्रदेश में है, पेंटिंग के लिए बड़ा फेमस है। तो भीमबेटका जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, थोड़ा धीरे धीरे आप ना उसको पढ़ते भी जाएंगे और लिखते भी जाएंगे, हाँ हेरिटेज साइट है, ठीक है। तो ये भी एक थोड़ा बेहतर होगा, मतलब तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपके लिए थोड़ा ये एडवांटेज वाली बात होगी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको समाप्त करते हैं और टॉपिक की तरफ। और कोई गाइड वगैरह मत लीजिएगा, ठीक है, ये सब नॉर्मली वर्कशॉप में तुम लोग कहना पड़ जाता है कई बार, लेकिन उसका कोई यूज है नहीं। घर में आपने ले लिया है तो उसको हटाने की ज़रूरत नहीं, रहने दीजिएगा। कभी कभी रेफरेंस के तौर पे काम भी आता रहते हैं किताबें। अब हम लोग चलेंगे अपने पहले टॉपिक की तरफ। टॉपिक है पाषाण काल। इसको तीन भागों में बांटकर पढ़ा जाता है, देखा जाता है, पुरापाषाण, पैलियोलिथिक
मध्य पाषाण मेसोलिथिक नौ पाषाण नियोलिथिक नौ पाषाण नियोलिथिक पूरा पाषाण मध्य पाषाण नौ पाषाण, ठीक है, ये डिवीजन है। पाषाण हम लोग इसलिए कहते हैं कि इस दौर के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है वो पत्थरों के आधार पर मिलती है, ठीक है। एक तो इसकी अवधि ले लेंगे हम लोग 5 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक, और एक है 20 लाख ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। इसमें बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि 5 लाख और 2000 ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है इसमें नए नए अनुसंधान होते रहते हैं, आए दिन नई नई खबर नई नई जानकारियां हमें मिलती रहती हैं, नए नए खोज होते रहते हैं, ठीक है। तो कभी भी वर्ष के ऊपर काल के ऊपर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। आर्य शर्मा वाली किताब में 5 लाख और 6 लाख दो अलग अलग डेट हैं किताबों में, वो सब आपका काम नहीं है, वो मैं समझ रहा हूँ क्या है। छठी वाली जो किताब चलती है एनसीईआरटी की, अभी आज जो चलती है उसमें 20 लाख ईसा पूर्व दिया हुआ है ना, हार्डली मैटर करता है वो, क्योंकि इस पर प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, बस एक अवेयरनेस के लिए कि बहुत पुराने समय से। इसमें क्या हम देखते हैं, इस पाषाण काल में भारत में आदि मानव की उपस्थिति, प्रारंभिक मानव की उपस्थिति, उसके जीवन यापन के तरीके, क्या खाता था, कहाँ रहता था, क्या पहनता था, कैसे वो सर्वाइव करता होगा उस दौर में, धीरे धीरे चीज़ें बदलती चली गईं, धीरे धीरे ये चीज़ें बदलती चली गईं, पूरा पाषाण मध्य पाषाण और नवपाषाण, ठीक है। अब जैसे हम पूरा पाषाण की बात करें हम, तो ये है आपका 5 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, हम इस वाले डेट को लेके चल रहे हैं, है ना। यानी टोटल भारत में हम लोग मान ले 5 लाख 2020 साल का इतिहास हमें पता है भारत के बारे में भी, तो उसमें 5 लाख तो पत्थरों का युग है, समझ लो मोटे तौर पे, है ना। तो 10,000 BC मध्य पाषाण को ले ले हम लोग, तो 10,000 BC से 6,000 BC, 6,000 BC से 2,000 BC, ये वैरी करता रहता है, कहीं पे 11,000 मिलेंगे, कहीं पे 12,000 मिलेंगे, कहीं ये 7,000 मिलेगा, इसमें सर मत खपाइएगा। ये टॉपिक है भारत में प्रारंभिक मानव की विकास यात्रा और संस्कृति को समझने के लिए, ठीक है। तो हमें इस तरह से देखना है, और पाषाण काल पूरी तरह से पुरातत्व आधारित है, ये पूरी तरह से पुरातत्व आधारित है। तो तीन भागों में इसके बारे में पढ़ेंगे हम, पूरा पाषाण मध्य पाषाण नव पाषाण। तीनों में हमें पढ़ना क्या है, तीनों में हमें पढ़ना है पत्थर के उपकरण के बारे में, किस किस तरह के पत्थरों का ये यूज करते थे उस समय के लोग, भौगोलिक वितरण के बारे में, ठीक है, भौगोलिक वितरण के बारे में, यानी कहां कहां से एविडेंसेस मिल रहे हैं हमें, और जीवन यापन के बारे में, भौगोलिक वितरण के बारे में और जीवन यापन के बारे में, क्लियर। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, नव पाषाण, तीनों में हमें यह पढ़ना है, ठीक है। नोट कर लिया आप सभी लोगों ने, अच्छा। पाषाण काल के बारे में अनुसंधान की शुरुआत अंग्रेजों के समय हुई है,
पाषाणकालीन अनुसंधान की शुरुआत, आप कहीं भी लिख लीजिएगा साइट में, एक रॉबर्ट ब्रसफुट नामक विद्वान थे। इन्होंने 1863 में पलवरम, मद्रास के नज़दीक पड़ेगा ये, से सर्वप्रथम अनुसंधान की शुरुआत की थी। 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी अंग्रेजों के समय। आज भी जितनी भी इमारत वगैरह है उन सब के संरक्षण का काम ASI देखती है। और 63 में अनुसंधान, तो मैक्सिमम अनुसंधान तो अंग्रेजों के समय शुरू हो गया था। पुरातत्विक विभाग बना था, भी तो हड़प्पा के बारे में, ताम्रपाषाण के बारे में, इन सब के बारे में जानकारी हमें मिली है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले पूरा पाषाण काल के बारे में पहले देखेंगे, भौगोलिक वितरण कहाँ कहाँ से मिला है, फिर पत्थर के उपकरण क्या हैं, फिर उस दौर के लोग जीवन यापन कैसे करते होंगे, है ना। लिखिए आप ज़रा, शीर्षक दे दीजिए, लिखिए पूरा पाषाण काल। ठीक है, लिखें। पहला लिखें आप भौगोलिक वितरण, लिखें कि पुरापाषाण काल में प्रारंभिक मानव समुदाय पुरापाषाण काल में प्रारंभिक मानव समुदाय की उपस्थिति के साक्ष भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग से मिलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग से मिलते हैं, जैसे लिखेंगे आप पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी पाकिस्तान में सोहन नदी घाटी अब चाहे तो पॉइंट्स देकर लिख सकते हैं या एक ही उसमें लिख सकते हैं आप। कश्मीर में पहलगांव, पहलगांव उत्तर प्रदेश में बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी ब्रैकेट में लिखिएगा आप इलाहाबाद से मिर्जापुर का क्षेत्र, इलाहाबाद से मिर्जापुर का क्षेत्र बेलन नदी घाटी। नेक्स्ट लिखें मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी घाटी। ब्रैकेट में लिखिएगा आप एक बहुत फेमस जगह है भीमबेटका, नर्मदा नदी घाटी।
देखिए राजस्थान, लिख लीजिए ब्रैकेट में, या चित्तौड़ वगैरह छोड़ दीजिए, केवल राजस्थान लिख रहने दीजिए आप, कॉमा दे दीजिए आप, गुजरात, गुजरात में लिखिए ब्रैकेट में साबरमती नदी घाटी, लिखे महाराष्ट्र, प्रवरा नदी घाटी, यहाँ पे लिख लेंगे आप इनाम गांव, एक आधा नाम, निवासा, इनाम गांव निवासा, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी घाटी है ना। लिखे कर्नाटक, कॉमा, तमिलनाडु, तमिलनाडु में लिखेंगे कोर्तलायर नदी घाटी, लिखे आंध्र प्रदेश, ब्रैकेट में लिखिएगा आंध्र प्रदेश के साथ नागार्जुन कोंडा, नागार्जुन कोंडा, कॉमा देके लिखिए, फिर उड़ीसा इत्यादि क्षेत्रों से। तो मैंने यहाँ जो पॉइंट आउट किया है वो क्या पॉइंट आउट किया मैंने यहाँ पे, जैसे मान लो सबसे पहले भारत में प्रारंभिक मानव समुदाय की उपस्थिति की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है, शुरुआती दौर में इन सब क्षेत्रों से मिलती है। हमेशा ध्यान रखिएगा लंबे समय तक मानव जहाँ भी रहेगा वहाँ दो चीज़ें होनी चाहिए, एक नदी घाटी ताकि उसको जल मिल पाए, पानी मिल पाए, दूसरा पत्थर मिल पाए, क्योंकि सर्वाइवल का मेन आधार पत्थर है। धातु का ज्ञान मानव को बहुत बाद में होगा। तो जहां नदी घाटी नहीं भी लिखा रहा हूं वहां भी नदी घाटी ही होगा। मान लो जैसे हमने आंध्रा में नहीं लिखाया, हमने गोदावरी नदी घाटी, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको दे रहा हूं, है ना, उड़ीसा में महानदी की घाटी जो होगी, है ना, तो नदी घाटी तो होना ही होना है, या कोई और नदी घाटी भी हो सकती है। नदी घाटी के अक्सर ऊपरी हिस्सों में जो पर्वतीय हिस्सा होता है, जो पठारी हिस्सा होता है, वहां पे आदि मानव या प्रारंभिक मानव की उपस्थिति के प्रमाण मिलते हैं। समझ में आ रही बात? सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं, पुरापाषाण काल के साक्ष्य हमें कहां से मिलते हैं। थोड़ा सा और जैसे जिनका हिस्ट्री वगैरह होता है उनको ये थोड़ा और डिटेल में पढ़ना होता है, जैसे मान लो सोवन संस्कृति है सपोज दैट, तो वहां हम लोग क्या करते हैं, जैसे अड़ियाल, बड़वाल, चौंतरा, ठीक है, जैसे प्लेसेस वगैरह बताते हैं, मान लो मद्रास है, मद्रास कल्चर कहते हैं उसे, अतिरम्पक्कम, वदमदुरे, गुड्डियम, पलवरम, ऐसे करके हम बहुत सारे साइट्स का जिक्र करते हैं वहां पे। कर्नाटक है तो घाट प्रभा, माल प्रभा, नदी घाटियों का उल्लेख करते हैं, मतलब और भी साबरमती, माही नदी घाटी, राजस्थान में गंभीरी नदी घाटी, चित्तौड़ वगैरह की बात करते हैं। यानी जब सब्जेक्ट में आते हैं तो इसको हम लोग ना और थोड़ा विस्तार देते हैं, बताते हैं, आपके काम की चीज़ नहीं है, आपको बस एक समझ रखनी है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में 5 लाख मान लो, या 20 लाख मान लो, या 14 लाख, मतलब ठीक है, मानव की उपस्थिति की हमें जानकारी मिल रही है, दैट्स इट। कहाँ से मिल रही है, कभी लिखने में आपको ना हेल्प करेगा ये। कुछ कुछ जो फेमस फेमस साइट्स हैं, जैसे इनाम गांव, भीमबेटका, नागार्जुन कोंडा, पहलगांव, वो जान के मैं लिखा देता हूँ ताकि कभी कोई ऑब्जेक्टिव के भी सवाल बने तो आपके पास आइडिया रहे कि अच्छा ठीक है यहाँ था।
तो हम क्या करेंगे ना, पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण तीनों में भौगोलिक वितरण देखेंगे। भौगोलिक वितरण में नोट करके लिखो आप, लिखो बेलन एवं नर्मदा नदी घाटी बेलन एवं नर्मदा नदी घाटी से पाषाण युगिन पाषाण युगिन तीनों ही काल तीनों ही काल के प्रमाण प्राप्त होते हैं। ये दो नदी घाटी ऐसी है जिसमें क्रम से पुरापाषाण, मध्यपाषाण, नवपाषाण सब मिलेगा, बाकी जगह पे ये निरंतरता आपको नहीं दिखेगी। प्रमाणों की लोग तो रहते होंगे, थोड़ा ये ज्यादा महत्व रखता है बेलन और नर्मदा नदी घाटी। एक और पॉइंट लिखें, लिखे पाषाण युगिन अवशेष या पूरा पाषाण युगिन अवशेष नदी घाटियों के ऊपरी हिस्से से प्राप्त होते हैं, न कि मैदानी इलाकों से। न कि मैदानी इलाकों से। ठीक है, तो ये भी एक नोटिस करने वाली बात है। जैसे मैदानी इलाकों में नहीं मिलेंगे, पत्थर तो मिलेगा नहीं, तो लोग सरवाइव कर नहीं पाएंगे वहां पे। तो एक मतलब ध्यान रखने वाली बात। नोट में एक और पॉइंट लिख लीजिए आप, पूरा पाषाण काल का संबंध पुरापाषाण काल का संबंध हिम युग से है। प्लाइस्टोसीन, पुरापाषाण काल का संबंध हिम युग से है, प्लाइस्टोसीन। ठीक है, तो हम लोग एक बार मतलब उस समय जो वातावरण था उसमें गर्माहट नहीं थी आज की तरह। अब किस कारण से वातावरण 10,000 BC के आसपास माना जाता है पूरी दुनिया में वातावरण में बदलाव आया है, और जो आज का वातावरण है वो 10,000 BC के आसपास हुआ है जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं। तो प्रकृति की कुछ अपनी चीजें होती हैं, हम लोग अपने जीवन में उन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देते नहीं हैं ना। पृथ्वी के विकास का जो अध्ययन होता है ज्योग्राफी में या जियोलॉजी वगैरह में, उसकी चार अवस्था मानी गई। चौथी अवस्था को माना गया चातुर्थकी या क्वार्टरनरी, और चौथी अवस्था के दो फेज माने गए प्लाइस्टोसिन और होलोसिन। तो प्लाइस्टोसिन हो गया आपका बर्फ युगी, आइस एज, और 10,000 BC के आसपास होलोसिन की शुरुआत हो जाएगी जहां वातावरण में आपको एक गर्माहट दिखाई पड़ेगी, एक वार्मिंग वाली स्थिति आएगी उसमें, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस समय, हम लोग अब पढ़ रहे हैं एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री कल्चर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों। हमने पहला टॉपिक उठाया है स्टोन एज, यहां हम प्रारंभिक मानवों के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे जो भी जानकारी हमारे पास।
स्टोन एज को तीन भागों में बांटकर पढ़ते हैं, पाषाण काल मतलब पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। हम अब पहले वाले काल का अध्ययन करेंगे, पहले वाले काल का एविडेंस हमें कहां कहां से मिलता है, साथ में नोट करके तीन आइडियाज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है कि किन नदी घाटियों में निरंतरता में साक्ष्य मिलते हैं, नदी घाटी के किन हिस्सों से मिलते हैं, और पृथ्वी के विकास के किस युग से इसका संबंध है, तो प्लाइस्टोसिन। भारत में अनुसंधान की शुरुआत किसने की, रॉबर्ट वेस्टफुट ने। कहां से की, पल्लवरम से। कब की, 1863 में। ये कुछ आपके मिसलेनियस इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग क्या करेंगे, उपकरण की बात करेंगे। हम अब हम लोग पुरापाषाण युगीन उपकरण की बात करेंगे। ठीक है, उपकरणों को ना, पत्थर के उपकरणों को नाम दे दिया गया है। जैसे मतलब ये उतना जरूरी नहीं है आपके लिए, लेकिन थोड़ा जान लीजिए। जैसे पुरापाषाण काल है ना, तो इसके भी ना पुरापाषाण काल के भी तीन डिवीजन है। एक है निम्न पुरापाषाण, ये हो जाता है आपका 5,00,000 BC से 50,000 BC। सबसे पुरानी अवस्था, तो सबसे पहले औजार जो मिल रहे हैं वो क्या है, हैंडेक्स, चॉपर, चॉपिंग, पेबल। इसको इसी तरह से लिख लीजिएगा आप, इसका हिंदी रूपांतरण नहीं करना है हमें, है ना। आपको ये पता होना चाहिए सब औजार के नाम है, और अंग्रेजी में रहे तो ज्यादा ठीक है, हिंदी में थोड़े बहुत चेंज होते रहते हैं। ठीक है, निम्न पुरापाषाण, पुरापाषाण काल में भी तीन डिवीजन है, निम्न पुरापाषाण, उस समय के कौन से औजार मिल रहे हैं हमें, उपकरण ये मिल रहे हैं हमें। इसके बाद है मध्य पुरापाषाण, ठीक है, मतलब पुरापाषाण की तीन अवस्था है, मध्य पाषाण अलग है, ये मध्य पुरापाषाण है। इस समय के क्या उपकरण मिल रहे हैं आपको, ब्लेड, बोर और स्क्रैपर, और ये हो जाएगा आपका 50,000 BC से 40,000 BC, और फिर एक हो जाएगा आपका उच्च पुरापाषाण, ये हो जाएगा आपका 40,000 BC से 10,000 BC। ठीक है, इस समय जो उपकरण आपको मिलेंगे वो ब्लेड, ब्यूरिंस। उपकरण के नाम जितना ध्यान रख सकते हैं रखिएगा। आपको ये डिवीजन ना भी याद रहे तो कोई बात नहीं, आपको ये पता रहना चाहिए ये सारे उपकरण पुरापाषाण काल में प्रचलित थे। ठीक है, क्लियर, सारे उपकरण पुरापाषाण काल में प्रचलित थे। अभी क्या है, जैसे उपकरणों को बनाने का एक मेथड वगैरह भी होता है ना, वो थोड़ा बहुत सब्जेक्ट में लोग पढ़ते हैं उसको जानते हैं, वो भी आपको जरूरत नहीं है। कभी ना जैसे पूछेगा कोई क्वेश्चंस वगैरह, तो आपको इसके, या आप राइटिंग कर रहे हो मेंस में, तो हम पूरा का पूरा इनके बारे में अनुमान ही नहीं आता, उपकरणों के आधार पर लगाते हैं। इनकी काफ़ी स्टडीज है यूरोप के अंदर, इंडिया के अंदर, इन उपकरणों के आधार पर बहुत सारे अनुमान लगाए जाते हैं। अच्छा, इसका जो निर्माण सामग्री होती थी, शुरुआती जो है पत्थर
मूल पत्थर या कोर पत्थर? ठीक है, स्टोन का ही होता था मतलब उसमें, और जैसे रॉ फॉर्म है, मान लो ये मिल गया हमें, ये जो हमारा आपको डायस दिख रहा है ये वाला, नीचे से पकड़ने के लिए ठीक से ऐसे स्लिक सा बना हुआ है ना, तो मैं इसको उठा के पकड़ सकता हूँ और किसी चीज़ पे प्रहार भी कर सकता हूँ, तो करूँगा नहीं, ठीक है ना? तो ये क्या हैंडेक्स हो गया, हैंडेक्स जैसा लगेगा आपको एक बार थोड़ा और ही पीछे से हो जाए तो। प्रकृति ने जैसा दिया हम उसी का यूज कर रहे हैं, हम मूल पत्थर या कोर पत्थर का यूज कर रहे हैं पहले फेज में, जैसा है बस वैसे चल रहे हैं हम उसके साथ। बाद में बहुत सारे चेंजेस, उसके बाद क्या होगा, पत्थर के तो देखो हर दौर में रहेंगे, बट अब पत्थर से फ्लैग बनाया जाएगा या शल्क। जैसे मान लो ये एक पत्थर है, ये एक पत्थर है ना, इसको तोड़ करके या जैसे भी प्लान करके तोड़ा जाए, इसके टुकड़े निकलेंगे है ना, उसको फ्लैग कहते हैं, शल्क कहते हैं। फिर फ्लैग के उपकरण बनने लगेंगे, हथियार बनने लगेंगे, सब ब्लेड, ऑब्वियस है ब्लेड हम लोग यूज करते हैं, दोनों तरफ धार होगा जिन पत्थरों के, बोर यानी कुछ भी खुरचने के लिए हम, ठीक है, या इस तरह से गहराई करने के लिए यूज करते हैं हम, स्क्रैपर कुछ छीलने के लिए हम यूज करते हैं हम, है ना? तो पत्थर के इस तरह के उपकरण बनने शुरू होंगे फ्लैग के। जैसे फ्लैग कल्चर कब शुरू हुआ या शल्क से उपकरण कब बनने लगे, पुरापाषाण काल में या मध्य पुरापाषाण काल में? अब पत्थर तो देखो हर एज में रहेगा ना, इसको स्टोन एज ही कहते हैं। अभी क्या मिलेगा आपको, फ्लैग के साथ साथ हड्डी के भी, जानवरों के हड्डियों के भी, फ्लैग के साथ साथ जानवरों के हड्डियों के भी। यानी पहले मूल पत्थर यूज किया इंसान ने, फिर फ्लैग को यूज करना शुरू किया। जो चीजें उपयोगी होती हैं वो आज तक हमारे जीवन में हैं, जिनकी जिनकी उपयोगिता समाप्त होती है वो चीजें धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं, उसका महत्व तो नहीं रहता है। इंसान के साथ क्या है, हमेशा बेहतर जीवन जीने के लिए वो संघर्ष करता रहता है। इंसान के साथ ये पॉइंट है कि बेहतर जीवन जीने के लिए वो संघर्ष करता रहता है, ठीक है? तो मूल पत्थर या कोर पत्थर हो गया, फ्लैग या शल्क हो गया, फ्लैग हड्डी, ऐसे करके। तो पूरा पाषाण काल के बारे में आपको दो चीजें बताई गई, एक भौगोलिक वितरण, कौन कौन से पत्थर के उपकरण थे, और उसके पीछे भी कुछ जानने वाली बात है जो किताबों में दिया हुआ है, शर्मा की किताब में सब, बस उसी किताब को बेस बना करके हम बता रहे हैं, थोड़ा सा बस सरल कर दे रहे ताकि आपको ये पता रहे कि हमें ये जानना है, ठीक है? इससे पता चलता है उस दौर के मतलब बौद्धिक विकास का, वो लगातार चाहते हैं बेहतर हथियार हो उनके पास जिससे वो सरवाइव कर पाए। तो ऐसे करते करते आज जो इतने उन्नत हथियारों तक हम पहुंचे हैं, हमारी जो विकास यात्रा है ऐसे शुरू हुई है। मानव इस धरती पे कैसे आया ये एक पहेली है, धरती कैसे आई ये भी एक पहेली है, तो मानव कैसे आया ये भी एक पहेली है। और थोड़ा बहुत आपने सुना ही होगा अलग अलग दौर में अलग अलग मानव की चीज़ें, ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, रोमोपिथेकस है, होमोसेपियंस है, ऐसे करके मतलब इवोल्यूशन हुआ है मानव का, है ना? होमोसेपियंस को या नियंडरथाल को आधुनिक मानव भी कहते हैं जो हम लोग हैं, है ना? तो कैसे वो लाइफ चेंज हुआ है, इट्स अ वेरी मतलब विज्ञान कोशिश कर रहा है इसको सुलझाने का, ठीक है? इट्स अ वेरी मतलब क्या कहा जाए इसको, ढाबे से तो कहना बहुत मुश्किल काम है, चैलेंज तो है इसमें, है ना? तो ये पत्थर की एक यात्रा है ना, ठीक है? तो पुरापाषाण काल के हमने भौगोलिक वितरण और उपकरण की बात कर ली आपसे, उपकरणों का नाम याद रखना है। अब हम क्या देखेंगे, जीवन यापन के बारे में, ठीक है? कैसे ये लोग जीवन यापन करते थे, लिखें आप।
पूरा पाषाण युगिन या पूरा पाषाण युग का संबंध हिम युग से है, पूरा पाषाण युग का संबंध हिम युग से है, अतः स्वाभाविक है, अच्छा स्वाभाविक है ठीक है संबंध हिम युग से है, अतः स्वाभाविक है कि उस दौर में मानव के जीवन यापन और संस्कृति पर इसका प्रभाव रहा होगा। जीवन यापन और संस्कृति पर इसका प्रभाव रहा होगा, ठीक है। अगला पॉइंट लिखें, प्रारंभिक साक्ष्यों के आधार पर आजीविका का मुख्य साधन शिकार एवं खाद्य संग्रह था। मुख्य साधन शिकार एवं खाद्य संग्रह था। अर्थात प्रकृति ने जो दिया है मानव उसका उपभोग करता था, ना कि उत्पादन। मानव उसका उपभोग करता था ना कि उत्पादन। ठीक है, उपभोग करता था ना कि उत्पादन। जो कुछ प्रकृति ने दिया है शुरुआती दौर में, है ना, लिखें शिकार में भी अपेक्षाकृत घने बाल वाले और बड़े खुर वाले पशुओं के शिकार का अनुमान लगाया जाता है। ऐसा अनुमान है कि उस समय मतलब ऐसे पशुओं का शिकार, क्योंकि ठंडक वाला वातावरण है तो इंसान को भी बाल बहुत होते होंगे, कैसे बचेगा वो ठंड से। तो अनुकूलन जो होता है ना, इंसान अपने आप को ढालता है प्रकृति के हिसाब से, तो ये दौर ऐसा है। लेकिन इसी प्रकार शिकार के साथ साथ पेड़ पौधे कंदमूल इत्यादि भोजन संग्रह
के मुख्य अवयव रहे होंगे? इसी में लिखें, प्रकृति पर निर्भरता के कारण मानव का जीवन खानाबदोश रहा होगा। अब चीजें मानो शिकार हैं तो पशु तो एक जगह रहेंगे नहीं, तो आपको पीछे पीछे जाना पड़ेगा, दूसरे क्षेत्र में जाना पड़ेगा, या फल पौधे वगैरह जो आप यूज करते हैं किसी कारण से चूक जाए या किसी मौसम में ना हो, तो जीवन खानाबदोश रहा होगा। अगला पॉइंट लिखें, साक्ष्यों से प्राकृतिक आवास की जानकारी तो मिलती है, प्राकृतिक शैलाश्रय कर लीजिए, गुफाओं की जानकारी मिलती है, लेकिन अंतिम अवस्था में कृत्रिम शैलाश्रय की भी लिखें, उपकरणों में परिवर्तन प्रारंभिक मानव के बौद्धिक विकास के साथ साथ वातावरण के साथ उनके अनुकूलन की कोशिश को भी रेखांकित करता है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखें, इस दौर में आग के प्रमाण नहीं मिलते हैं, आग नहीं होने से भोजन कच्चा ही खाते होंगे, तो मतलब एक अनुमान की बात भी जाती है। देखिए, साथ ही कृषि पशुपालन बर्तन एवं वस्त्र के भी साक्ष्य नहीं।
कपड़ों के भी साक्ष्य नहीं। कपड़ों के भी साक्ष्य नहीं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखें। पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था में, पुरापाषाण काल की अंतिम अवस्था में भीमबेतका से अंतिम अवस्था में भीमबेतका से चित्रकला के भी प्रमाण मिलने लगते हैं। फिर भी इस दौर के सामाजिक, धार्मिक गतिविधियों के साक्ष्य नगण्य ही हैं, नगण्य ही हैं। ठीक है, मतलब बहुत मिनिमम है, नगण्य है, है ना। नोट करके लिखिएगा, एक नर्मदा नदी घाटी में है हथनौरा, यहां से मानव कपाल का साक्ष्य मिला है। यहां से मानव कपाल का साक्ष्य मिला है और इसको अपवाद माना गया है। ठीक है, इसको अपवाद माना गया है। पहले फेज में मानव के जीवाश्म का साक्ष्य नहीं मिलता है पहले चरण में, या पुरापाषाण काल में मानव के जीवाश्म का साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, तो क्या क्या नहीं मिलता है? मानव जीवाश्म का साक्ष्य नहीं मिलता है, बर्तन, आग, कपड़े, वस्त्र, अस्थाई आवास। नहीं से भी ना बहुत सारी चीजों को आप रिलेट कर लेंगे धीरे धीरे। जो चीजें नहीं मिल रही है ना, अगले चरण में कुछ मिलेंगी, फिर उसके आगे वाले चरण में कुछ मिलेंगी। ऐसे ही जीवन बदलता जाएगा कि यात्रा पर निकलेंगे, है ना। तो ये पहला फेज हो गया आपका पुरापाषाण काल। भौगोलिक वितरण मैंने बता दिया, उपकरण मैंने बता दिया, और जीवन यापन संस्कृति के बारे में जो जानकारी मिलती है। हम लोग लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद फिर हम लोग बात करेंगे इस पर। तो हम लोगों ने पुरापाषाण काल से जुड़े हुए डेवलपमेंट को ठीक से देखा, समझा, है ना। अब हम लोग मध्य पाषाण काल की बात करते हैं। ठीक है, हमने बताया था आपको भी थोड़ी देर पहले कि 10,000 BC से लेकर के 6,000 BC, ठीक है, मध्य पाषाण काल। फिर एक बार हम लोग क्या देखेंगे यहाँ पे, भौगोलिक वितरण पहले देखेंगे, फिर उपकरण देखेंगे, और फिर जीवन यापन की बात कर लेंगे हम लोग, है ना। इससे एक पता भी चल जाएगा कि क्या क्या चेंजेस हैं पहले वाले काल की तुलना में। शीर्षक दे दीजिए आप, लिखिए मध्य पाषाण काल।
देखो, मध्य पाषाण काल का संबंध होलोसीन युग से है। अर्थात हिम युग समाप्त हुआ, और वातावरण अर्थात हिम युग समाप्त हुआ और वातावरण अपेक्षाकृत गर्म हुआ। ठीक है, आज की जलवायु इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है, इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। इन्हीं परिवर्तनों का परिणाम है। ठीक है, मतलब आज जो वातावरण बदला है इसी समय से बदला है ना। अगला लिखो आप, भौगोलिक वितरण, मतलब प्राकृतिक कारणों से बदला था। इसका कोई आज की तरह नहीं कि औद्योगिक क्रांति के कारण या पोल्यूशन के कारण, ये प्राकृतिक कारणों से अपने आप चेंज आए हैं। ये भी खतरा रहता है कब प्रकृति जो है अपना रंग बदल दे, है ना। ठीक है, अब लिखो भौगोलिक वितरण। लिखो मध्यपाषाण काल के साक्ष्य भी भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भूभाग से प्राप्त होते हैं। भारतीय भूभाग से प्राप्त होते हैं, उपमहाद्वीप के बड़े भूभाग से प्राप्त होते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रमुख स्थल हैं, और लिखते चले जाइएगा, जैसे एक चौपानी मांडू यूपी में पड़ेगा, ये अलाहाबाद में है ना, यूपी के कुछ स्थल आपको बता रहा हूँ मैं। चौपानी मांडो लिख लीजिए, बर्तन का प्राचीनतम साक्ष्य यहां से प्राप्त हुआ है। ऐसे यूपी में एक जगह है सराय नहर, ये सब बेल नदी घाटी में ही है, बेल नदी के आसपास का ही सारा इलाका है सराय नहर। सराय नहर राय, यहां से आपको अध जली हड्डियां, यहां से आपको अध जली हड्डियां, है ना। मतलब अध जली हड्डियां का मतलब ये हो गया कि आग का ज्ञान है मानव को इस समय, वातावरण में गर्माहट भी आई है तो उससे भी, चाहे पेड़ों का टकराहट हो या पत्थरों के टकराने से चिंगारी निकली हो, उसका एक सेंस आया होगा इंसान को, है ना। और यहां से हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य, मानव हत्या का प्राचीनतम साक्ष्य, तो किसी कंकाल में पत्थर जो है वैसे एकदम धसा हुआ है जिससे लगता है कि भाई किसी ने किसी को मारा होगा, मतलब है ना। ये जिला प्रतापगढ़ में पड़ता है सराय नहर राय, जो लोग उत्तर प्रदेश को जानते होंगे प्रतापगढ़ का आइडिया होगा उनको, अलाहाबाद के पास पड़ता है, बाकी कुछ बताने की जरूरत नहीं है प्रतापगढ़ के बारे में, है ना। ऐसे ही यूपी में है महदहा
दमदमा, महदहा दमदमा, दोनों स्थलों की खास बात क्या है? यहां से युग्म सवाधान, मतलब कपल को या दो लोगों को दफनाने का जो ब्यूरियल प्रैक्टिसेस होता है अंतिम संस्कार, और हड्डियों के आभूषण जानवरों के हड्डियों के आभूषण, ठीक है, ये सब इंसान के जीवन में बदलाव को भी रेखांकित करता है, चीजें बदल रही हैं। यहीं से एक सिलबट्टा का भी साक्ष्य मिला जो मसाला पीसने या कूटने के काम में लाते हैं। सिलबट्टे का प्रयोग हम लोग आज भी करते हैं। सारी चीजें आपसे पूछेगा नहीं, लेकिन कुछ तो हमें आइडिया रखना ही पड़ेगा ना कि क्या चीजें बदल रही थी। तो यूपी के ये एग्जाम्पल्स वैसे आपने ध्यान रखने हैं। ऐसे ही एमपी में लिख लो आप, भीमबेटका, और राजस्थान में लिखो आप बागोर, दोनों ही स्थलों से पशुपालन का साक्ष्य। दोनों ही स्थलों से पशुपालन का साक्ष्य, ये प्राचीनतम है। साक्ष्य प्राचीनतम है, ठीक है। निकले आपने, ये नहीं कि भीमबेटका पहले या बागोर पहले, बस इसको प्राचीनतम माना गया है। तो ये कुछ एविडेंसेस हैं, बर्तन, पशुपालन, आग, सवाधान, जो हमें ध्यान रखने हैं। बाकी नोट करके लिख लें आप, लिखो आप कि गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, उड़ीसा इत्यादि से भी मध्यपाषाण युगीन साक्ष्य मिलते हैं। यानी इसका भी एक बड़े भूभाग से पाकिस्तान से भी मिलता है, तो ऐसे कोई सवाल होंगे नहीं। कभी लिखना पड़ेगा ना मेंस में आपको, तब इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। थोड़ा बहुत इन इन जगहों से प्रमाण मिला, इंट्रोडक्शन जैसा हो जाएगा आपका, है ना, 20-25 शब्दों का। और ये तो तथ्यात्मक जानकारी है कि कभी ऐसे कोई तत्व आ गए तो ठीक है, अदरवाइज लिखने में भी थोड़ा बहुत हेल्प करेगा आपको मेंस में। उपकरण की बात करें हम लोग, है ना, लिखें, इस काल में सूक्ष्म पत्थरों उसको माइक्रोलिथ कहा गया है, उपकरणों के प्रमाण मिलते हैं, अब सारे उपकरण देखो पत्थर के ही और बनेंगे फ्लैक के, जो सल्क मैंने बताया था, प्लस हड्डियों के बनेंगे आपके, तो ये फिक्स है। फ्लैग जब तक धातु नहीं आएगा तो पत्थर और हड्डियों के बनेंगे, है ना। तो इस काल में सूक्ष्म पत्थरों के उपकरणों के प्रमाण, जिसको माइक्रोलिथ कहा गया है, लिखें कुछ प्रमुख उपकरण हैं,
त्रिभुजाकार ट्राइंगल, अर्धचंद्राकार ल्यूनेट, कुछ सेंटीमीटर के हैं, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर से छोटे छोटे उपकरण बनेंगे अब, अर्धचंद्राकार, इसी में लिख लो आप ब्लेड तो पहले की तरह है ही, ब्यूरिंस, ये सब तो रहने ही हैं, स्क्रैपर। ये दो इंपॉर्टेंट हैं, त्रिभुजाकार अर्धचंद्राकार। त्रिभुजाकार अर्धचंद्राकार लिख लिया आपने, अगला पॉइंट लिखो, इस काल के उपकरणों में फेंक कर शिकार किए जाने फेंक कर शिकार किए जाने वाले उपकरणों के प्रमाण भी मिलते हैं। उपकरणों के प्रमाण भी मिलते हैं, ठीक है। जैसे किसी को फेंक कर मारना, इसी में लिख लो आप, ऐसा माना जाता है कि तीर धनुष या तीर कमान तकनीक का विकास इसी युग से हुआ होगा, इसी काल से हुआ होगा। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो अब आप, उपकरण के बारे में बता दिया, माइक्रोलिथ के हैं यानी पत्थर के तो बने रहे, हड्डी के हैं रहेंगे यहाँ पे भी, और इस तरह के उपकरण हैं, फेंक कर मारा जा सकता है, यानी जीवन में जो बदलाव आया उस तरह के पशु पक्षियों में भी बदलाव वो जीवन में भी दिखेगा। अब लिखो जीवन यापन, है ना। देखिए यह काल वातावरण में परिवर्तन के कारण विशेष महत्व रखता है। के कारण विशेष महत्व रखता है। देखिए इस परिवर्तन का प्रभाव इस परिवर्तन का प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों पर देखा जा सकता है।
अगला पॉइंट लिखें, जैसे इस दौर में घास पर निर्भर रहने वाले पशुओं की जानकारी अधिक मिलती है, जैसे मान लो बकरी है, गाय है, बैल है, भैंस है, मतलब जो घास पर निर्भर, गधा है, घोड़ा है, जो भी, तो घास चरने वाले पशुओं की जानकारी अधिक मिलेगी। वातावरण के बाद ही घास बहुतायत में रहा होगा और मानव के लिए शिकार करना अपेक्षाकृत सुगम हुआ होगा। देखें, इसी के साथ छोटे पशु पक्षियों जिनका शिकार फेंकने वाले उपकरणों से किया जाता होगा, उसकी भी जानकारी मिलती है। तो ऐसा भी है कि जब चीजें, जैसे मान लो आप छोटे छोटे पशु पक्षियों का आप शिकार कर रहे हैं, तो चूंकि वातावरण बदला है तो उस हिसाब से जीवों का आविर्भाव भी हुआ होगा या जीवों की जो विशेषता है उसमें भी परिवर्तन आया होगा, है ना, जो जीव जंतु हैं उस समय। इसी में लिखो, मध्यपाषाण युगीन स्थलों से मछली के साक्ष्य भी बहुतायत में मिलते हैं। इस समय मछली के प्रमाण भी बहुत मिलते हैं। लिखें अगला पॉइंट, निश्चित तौर पर इन परिवर्तनों ने शिकार की प्रक्रिया को अपेक्षाकृत सुगम किया, लेकिन मानव अभी भी शिकारी एवं खाद्य संग्राहक था। अर्थात केवल उपभोक्ता था, न कि उत्पादक।
केवल उपभोक्ता था, न कि उत्पादक। ठीक है, केवल उपभोक्ता था न कि उत्पादक। अगला पॉइंट लिखो, हालांकि इस काल में पशुपालन व बर्तन के प्रमाण मिलते हैं, इस काल में पशुपालन व बर्तन के प्रमाण मिलते हैं, लेकिन ये अपवाद स्वरूप हैं। अपवाद स्वरूप हैं, इसी में लिखना, नवपाषाण काल में ये मानव जीवन की नियमित विशेषता बन पाई। नियमित विशेषता बन पाई। ठीक है, अगले काल में, नवपाषाण काल में रेगुलर फीचर बन जाएगा। यदि पशुपालन करेगा तो इसका मतलब इंसान अब एक जगह टिक के रह सकता है थोड़े समय के लिए ज्यादा पशुओं के साथ, है ना। पशुओं के कई फायदे होते हैं, एक तो मांस के तौर पे होता है, फिर ब्रीडिंग से फिर बहुत सारे पशुओं की संख्या बढ़ेगी, ठीक है, और दूध के रूप में भी पशुओं का महत्व है, यानी एक तरह से चलता फिरता खाद्य भंडार है एक तरह से पशु जो होते हैं, उस दौर के हिसाब से तो बहुत उपयोगी थे। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, आज शाकाहारी मांसाहारी जैसी बहुत सारी बातें होती हैं, बट मानव अपने विकास यात्रा में लंबे समय तक मांसाहारी रहा है, मतलब कंदमूल वगैरह भी खाता था, बट एक स्वाभाविक विकास प्रक्रिया में मानव जो है मांसाहारी रहा ही है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा सभी लोग, है ना। अगला पॉइंट लिखें आप, ठीक है, सर्वप्रथम इसी काल में आग के प्रमाण मिलते हैं, आग के साक्ष्य मिलते हैं, यह ज्ञान भी या खोज भी मानव जीवन को क्रांतिकारी रूप में प्रभावित किया, क्रांतिकारी तौर पर प्रभावित किया। जैसे जैसे भोजन को पका कर खाना सुरक्षा के दृष्टिकोण से सर्दियों में राहत, कौमा जंगलों को साफ करना इत्यादि।
तो खान पान में इससे भी बदलाव आएगा ना, पका हुआ भोजन होगा थोड़ा पहले की तुलना में ज़्यादा सुपाच्य होगा, है ना। तो एक इस तरह के चेंजेस भी हमें दिखेंगे। तो पशुपालन बर्तन का भी प्रमाण मिल रहा है, लेकिन वो नियमित विशेषता नहीं, बट आग नियमित विशेषता है इस समय। अगला पॉइंट लिखो, लिखो भौतिक साक्ष्यों से भौतिक साक्ष्यों से मानव के बौद्धिक विकास एवं वातावरण के साथ अनुकूलन अनुकूलन के बेहतर प्रमाण तो मिलते ही हैं, अनुकूलन के प्रमाण तो मिलते ही हैं, बेहतर प्रमाण तो मिलते ही कर दीजिएगा, साथ ही आभूषण, अंतिम संस्कार सावधान मतलब अंतिम संस्कार इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। लेकिन साक्ष्यों से कृत्रिम आवास ब्रैकेट में लिख लीजिएगा झोपड़ी नुमा की भी जानकारी मिलती है। की भी जानकारी मिलती है। देखें मध्य पाषाण युगीन चित्रों के साक्ष्य बड़ी संख्या में भीमबेतका से प्राप्त हुए हैं। इससे चित्रकला के साथ साथ पारिवारिक जीवन शिकार करने के तरीके उपकरण करण नृत्य इत्यादि की भी जानकारी मिलती है। ठीक है, तो देखो लिखित साक्ष्य तो यहाँ भी नहीं मिलता है, तो दावे से तो नहीं कह सकते हम परिवार समाज वगैरह कैसा रहा हो, लेकिन दीवारों पर जो चित्र वगैरह मिल रहे हैं उससे काफ़ी कुछ पता चल रहा है। तो यदि पुरापाषाण काल से आप कंपेयर करेंगे तो क्या क्या चेंजेस आपको दिखेगा, एक तो वातावरण में बदलाव आया, उसका प्रभाव हर जगह आपको दिखेगा। जैसे घास पर निर्भर रहने वाले चरने वाले बहुत सारे जीव जंतुओं की संख्या के बारे में जानकारी मिल रही है, आकार में थोड़ा छोटे भी हैं तो उनका शिकार करना भी आसान होगा।
एक एग्जाम्पल जैसा मिल गया, मछली के प्रमाण बहुत आयत में मिल रहे हैं, तो मछली को पकड़ना ज़्यादा आसान है और मछली की जो उपयोगिता है, मतलब जो उसके गुण होते हैं उसमें, जो तमाम तरह के उसके जो न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं उसमें, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। आज भी वो रिकमेंडेड है, मतलब कई चीज़ों पे यूज किया जाता है, डॉक्टर्स वगैरह रिकमेंड करते हैं ना, तो उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा जीवन में मछली से। इसके अलावा जैसे आग का ज्ञान हुआ, हमने देखा है ना, उससे भी खान पान के अलावा जीवन में फ़र्क पड़ना है। ज्ञान तो पशुपालन बर्तन वगैरह का भी है, लेकिन अभी बहुत अपवाद अपवाद जैसे मिले हैं वो, बट बदल तो रहा ही इंसान। वहाँ पे सिलबट्टे का प्रमाण जैसे मिल रहा है, अब जीवाश्म के साक्ष्य मिलने लगे हैं, पहले वाले दौर में नहीं मिल रहे हैं। झोपड़ी जैसे मकान के प्रमाण मिल रहे हैं, केवल गुफाओं में ही नहीं बल्कि झोपड़ी बने हुए भी मिल रहे हैं इस दौर में। ये सब क्या शो करता है? उपकरणों में देखो बदलाव दिखाई पड़ता है, यानी निश्चित तौर पर पहले की तुलना में जीवन और थोड़ा बेहतर है, तो बहुत टफ। जैसे हमने कहा ना कि पूरा का पूरा पाषाण काल में हम एक विकास यात्रा को समझ रहे हैं कि कैसे कैसे मानव का जीवन में बदलाव आया। ये सब किस पे आधारित है? पुरातात्विक साक्ष्यों पर आधारित है। किस पे आधारित है? भौतिक अवशेष पर आधारित है। लिखी हुई कोई भी चीज़ें नहीं है, उनको ज्ञान था लिखने का, नहीं था सब कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है, बट जो चीज़ें मिल रही हैं उसके आधार पर एक अनुमान, क्योंकि आज भी मतलब 70 से ज़्यादा प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं इंडिया में, जिनके जीवन यापन के तरीके बहुत कुछ आपको नौपाषाण, पुरापाषाण, मध्यपाषाण काल से मिलेंगे, ठीक है। तो हम उसको देख करके एक अनुमान तो लगा ही सकते हैं, है ना। इस तरीके से इसको चित्रित किया जाता है, नैरेट किया जाता है, बताया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ये है नौपाषाण काल। नौपाषाण काल 6000 BC से 2000 BC, ठीक है। इसको ना कभी कभी किताबों में नौपाषाण क्रांति भी कहा गया है। इस दौर में क्या क्या चीजें बदली हैं, जैसे कृषि जो है नियमित विशेषता बन गई है। अब खेती के साथ क्या है कि ऐसा नहीं कि एकाएक ज्ञान कहीं से आया होगा, प्रकृति प्रदत्त सारी चीज़ें हैं, सारे फसल हैं। मान लो कभी कहीं गेहूं की खेती हो रही है, कहीं चावल प्रकृति के द्वारा किसी तरह से उसका, ठीक है, किसी क्षेत्र में आया होगा, है ना, रहने वाले लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, देखा होगा, कभी उसको खाया होगा, ठीक है, तो ऐसे करके धीरे धीरे फिर उसका डोमेस्टिकेशन शुरू हो गया होगा, उसका प्रोडक्शन शुरू हुआ होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है कि कृषि का ज्ञान पहले सबसे पहले किसी एक क्षेत्र में आया फिर दुनिया में फैला। हर क्षेत्र में प्रकृति ने जो दिया है, लोगों ने उसको ऑब्जर्व किया और फिर उसका उत्पादन शुरू किया। तो ये कभी भी धारणा नहीं रखनी है कि एक जगह से इसका सब जगह प्रसार हुआ होगा, अलग अलग क्षेत्रों से, ठीक है। उसके बाद जब संपर्क होगा तब आदान प्रदान होगा, तब ज्ञान भी, एक क्षेत्र का ज्ञान दूसरे क्षेत्र में या पहले क्षेत्र में आएगा जाएगा, ये भी होगा। लेकिन खेती नियमित विशेषता है इस काल की। अब क्या होगा, खेती नियमित और पशुपालन भी नियमित विशेषता है। पहली वाली सारी चीज़ें तो हैं, जब खेती और पशुपालन नियमित विशेषता है, ठीक है, रेगुलर फीचर है ना, इसका मतलब अब आप उत्पादन कर सकते हैं, आप केवल उपभोक्ता नहीं, प्रकृति ने जो दिया वही नहीं, बल्कि आप उसको अपने हिसाब से भी उपजा रहे हैं, पशुओं को बांध कर रख रहे हैं अपने साथ, ठीक है। तो मानव इस समय भी शिकारी और खाद्य संग्राहक है, लेकिन अब केवल उपभोक्ता नहीं है बल्कि उत्पादक भी हो जाएगा। जब आप उत्पादन कर सकते हैं तो आप एक जगह टिक करके रह भी सकते हैं, क्योंकि आपको शिकार के लिए या कंदमूल के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। जरूरत उसकी अभी भी है, इतना उत्पादन नहीं होगा, यानी
जैसे ये परिवर्तन आएगा तो जीवन में अस्थायित्व आएगा। अब इन सब चीज़ों का उत्पादन हो रहा है तो आप रखेंगे कहाँ, खाएंगे, हो सकता है मिट्टी को खोद करके रखें आप। आइडिया कि कुछ ऐसा बनाया जाए मिट्टी का जिसमें हम चीज़ों को रख पाएँ, खा पाएँ, पानी पी पाएँ, चीज़ों को संग्रह कर पाएँ, तो नियमित तौर पे मिट्टी के बर्तन के भी प्रमाण मिलेंगे। और बेहतर हो इंसान तो चाक के प्रमाण मिलेंगे आपको। जब ये सब चीज़ें हैं तो इसके साथ साथ चक्के का प्रमाण भी इसी समय मिलेगा, व्हील का। ऐसा माना जाता है कि किसी न किसी रूप में चक्कों का ज्ञान हुआ होगा और पशुओं के द्वारा उन चक्कों को खींचा जाता होगा, तो भारी भरकम चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना भी बड़ा आसान हुआ होगा मानव के लिए, है ना। और एक और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव क्या होगा इस दौर में, पॉलिश वाले पत्थर के उपकरण, यानी वैसे पत्थर के उपकरण जिसको घिस करके, जैसे मान लो ये पत्थर का एक उपकरण है, एक बार हमने यूज किया, दो चार दस दिनों तक धार खत्म हो गई, फिर हमने धार पैदा कर लिया। तो मानव को इस तरह का भी ज्ञान इस दौर में होगा, यानी हमने एक बार पत्थर ठीक ठीक जमा कर लिए तो महीनों सालों तक एक जगह हम रह सकते हैं। तो इस दौर में जीवन में बहुत बड़े बदलाव आएंगे, एक नए युग में प्रवेश करेंगे। हम कहते हैं ना मानव की विकास यात्रा में कुछ पड़ाव है, जैसे आग का ज्ञान एक बहुत बड़ा पड़ाव है, खेती का ज्ञान अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है, लोहे का ज्ञान अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। कुछ ज्ञान ने जीवन को बदल दिया है, ठीक है, उसी तरह से तो इन सब बदलावों के परिप्रेक्ष्य में ही नौपाषाण काल को कभी कभी क्रांति भी कहा जाता है। बट वैश्विक स्तर में अफ्रीका में, एशिया में, यूरोप में सबके अलग अलग अपनी विकास यात्रा है कालखंड, भारत की अपनी विकास यात्रा है कालखंड, ठीक है। तो थोड़ा सा परिचय हो गया, भौगोलिक वितरण में लिख लीजिए आप। लिखें नौपाषाण काल के प्रमाण, साक्ष्य भी पूर्ववर्ती कालों की तरह पूर्ववर्ती कालों की तरह भारतीय उपमहाद्वीप के अलग अलग हिस्सों से प्राप्त होते हैं, अलग अलग भागों से प्राप्त होते हैं। लिखें इनमें कुछ प्रमुख स्थल हैं, उत्तर पश्चिम भारत में पाकिस्तान में लिखिएगा मेहरगढ़, यहां पे 7000 बीसी के आसपास ही प्रमाण मिलने लगेंगे, बहुत पुराना है। लिखें आप, लिखिए मेहरगढ़ से कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, ठीक है। इसमें एक और एक्स्ट्रा जानकारी भी मैं भी दूंगा आपको, लिख लें आप, गेहूं, जौ एवं कपास के प्रमाण, साथ ही कच्ची ईंटों के मकान के भी साक्ष्य। कौमा देखे लिखे संभवतः
संभवतः हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कपास की खेती यहीं से सीखी होगी। अभी आप प्रमाण लिख लीजिए, मैं समझा दूंगा आपको। कपास की खेती यहीं से सीखी होगी। ठीक है, कपास की खेती यहीं से सीखी होगी। एक ना जैसे यूपी में एक जगह है लहुरा देव, ठीक है, यूपी में एक जगह है लहुरा देव, तो कुछ विद्वान मानते हैं कि प्राचीनतम साक्ष्य वहां से मिला है। यूपी पीसीएस में एक सवाल भी आया था, दोबारा कभी ऑप्शन आए और लहुरा देव ऑप्शन में हो तो आप लहुरा देव को टिक कर दीजिएगा। पूछने का मतलब ही उसको पूछा जा रहा है, अन्यथा यूपीएससी में भी ये सवाल आ चुका है मेहरगढ़ पे, और अभी भी स्वीकार्यता इसी की है। ठीक है, तो बाकी यूपी पीसीएस में एक बार आ चुका है तो जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ, है ना। ये सब चेंज होने वाला भी है, बदलने वाला भी है ना। तो उत्तर पश्चिम का एक एग्जाम्पल हो गया आपका, बलूचिस्तान में पड़ता है मेहरगढ़, है ना। कश्मीर में लिखो आप, कुछ प्रमुख प्रमुख स्थलों के बारे में बता रहा हूं, है ना। बुर्ज होम और गुफ कराल, बुर्ज होम और गुफ कराल लिख लो आप। खास बात क्या है इसकी, एक तो गर्त आवास, दूसरा खास बात क्या है, मानव को कुत्ते के साथ दफनाने का प्रमाण। धरती को खोद करके झोपड़ी नुमा आकार बनाया गया जिसको गर्त आवास कहते हैं, पिट ड्वेलिंग्स, मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण। थोड़ा एक यूनिक फीचर है ये, चाइना में बहुत पॉपुलर रहा है, कश्मीर में पड़ता है बुर्ज होम और गुफ कराल। और हड्डियों के उपकरणों के साक्ष्य बड़ी संख्या में, हड्डियों के उपकरणों के साक्ष्य बड़ी संख्या में। यूपी में लिखो आप कुलडीहवा, कुलडीहवा लिखो, चावल की कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य, चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य। ये भी विंध्य क्षेत्र में ही पड़ेगा आपका, है ना। लिखो बिहार में चिरांद, सेनुआर, चिरांद में हड्डियों का उपकरण, और एक और क्या, ये मैदानी क्षेत्र है। चिरांद की खास बात क्या, हड्डियों का उपकरण और ये मैदानी क्षेत्र है, यानी इस समय बस्तियां जो मैदानी इलाकों में भी मिलने शुरू हो जाएंगी आपको। सेनुआर से आपको चना एवं मूंग की खेती का प्रमाण, चना एवं मूंग की कृषि का साक्ष्य। ठीक है, कर्नाटक में एक जगह है ब्रह्मगिरी, यहां से रागी की खेती का प्रमाण,
रागी की खेती का प्रमाण? ये सब कुछ एग्जाम्पल्स हैं, है ना। कर्नाटक में बहुत सारे जगह हैं जो किताब के अंदर दिए हुए हैं। एक जगह और है पिकली हल, ये बहुत फेमस है राख के टीलों के लिए। राख के बहुत सारे ढेर मिले हैं, पिकलीहल है, उतनूर है, फलवाय है, कई जगहों से मिले हैं। एक नाम कम से कम ध्यान रख लीजिएगा आप, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए आप। उत्तर पूर्वी भारत, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, देवजाली हार्डिंग, मैप में दिया हुआ है, है ना। उत्तर पूर्वी भारत, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कुंडा हमने बताया ही आपको, बहुत फेमस जगह है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, इत्यादि क्षेत्रों से भी नवपाषाण युगीन स्थलों के प्रमाण मिलते हैं। एक ना भौगोलिक वितरण हो गया, ठीक है। अब आप लिख लीजिए उपकरण, अब आप लिखिए उपकरण। उपकरण में जो मेन है वो है सेल्ट और एक्स, यानी बसुला और कुल्हाड़ी, ठीक है। सेल्ट और एक्स ये मेन उपकरण है। यहां लिख लीजिए उपकरण के बारे में, आप थोड़ा लिखें। ये पॉलिश्ड या घर्षित उपकरण है, ये पॉलिश्ड या घर्षित उपकरण है, अर्थात घर्षित उपकरण है, अर्थात पत्थरों के उपकरणों को पुनः घिसकर धारदार बनाया जा सकता था, यानी दोबारा से उसमें वो धार पैदा किया जा सकता है जिससे आप उसको यूज कर पाए, रीयूज कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, महत्वपूर्ण बदलाव है, ठीक है। जीवन यापन वगैरह जो है इस पे चर्चा मैं आपको कल कराऊंगा, है ना। आज बस यहीं पे रोक रहा हूँ मैं आपको, और जो हमारे रोहतास सर हैं उनको भी आज, मतलब मेरा सुझाव ये है कि कोई असाइनमेंट आपको ना मिले, आज पहला दिन है, ठीक है। तो रोहतास सर भी सुन ही रहे होंगे मुझे, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो फर्स्ट डे है तो आज असाइनमेंट की ज़रूरत नहीं है आपको, थोड़ा आप टॉपिक से जुड़िए। एक बार मैं रिव्यू करा देता हूँ मैंने आपको क्या क्या बताया है आज। सबसे पहले मैंने आपको पीटी का सिलेबस क्लियर किया कि पीटी में क्या है, चीज़ें बदली हैं दो साल से, ट्रेंड भी क्या पढ़ना है हिस्ट्री ऑफ इंडिया में, और उसमें कल्चर को ज़्यादा महत्व देना है।
एंशियंट हिस्ट्री पे क्लास शुरू भी हो गई है, एंशियंट मेडिवल हिस्ट्री की बात दोनों करेंगे हम लोग। दूसरा मैंने क्या बताया आपको, जो आपने देखा होगा जब हम इसकी बात करते हैं, मेंस का सिलेबस भी मैंने एक्सप्लेन किया अलग से, क्योंकि हमारा एक गोल वो भी होता है कि मेंस में हम बहुत अच्छा करें हम, और हम इंटीग्रेटेड अप्रोच लेके चल रहे हैं। किताबों के नाम भी मैंने बता दिए हैं, आपको किताब मिल जाए तो उसे पढ़ लीजिएगा, चैप्टर को नहीं भी पढ़े तो कोई बात नहीं, जितना मैं करा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, सुन लीजिए आप, ठीक है। इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, बहुत डिसिसिव होने जा रहा है ये सब, ठीक है। फिर सिलेबस के साथ साथ जो ब्रॉड व्यू होता है पढ़ने का वो भी बताया, कल्चर का सेंस बताया, हेरिटेज, व्हाट इज हिस्ट्री, काल विभाजन क्या है, बीसी एडी, ये सब बेसिक बेसिक बातें बता दी मैंने आपको। सोर्स के बारे में हमने बताया, पुरातात्विक स्रोत क्या होता है, साहित्यिक सोर्स क्या होता है, और जो पहला टॉपिक है हमारा पाषाण काल, वो पुरातात्विक स्रोतों पर आधारित है, ठीक है। और पाषाण काल को भी हम तीन भागों में पढ़ते हैं, पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। हम क्या देख रहे हैं, प्रारंभिक मानव की विकास यात्रा, जो हम आज पहुंचे हैं यहां तक इस क्षेत्र में, शुरुआती एविडेंसेस कहां मिलते हैं, पाषाण काल का भौगोलिक वितरण, उपकरण और लोग कैसे सर्वाइव करते होंगे, मध्य पाषाण काल का भौगोलिक वितरण, उपकरण, जीवन में क्या बदलाव आया, नवपाषाण काल का भौगोलिक वितरण और उपकरण, जीवन में बदलाव मैंने समझा दिया, बट वैसे ही रोक दे रहा हूँ आपको मैं जरा सा, एक बार आप रिदम पे आइए, मुझे भी कुछ काम है थोड़ा बहुत, पूरा होता भी नहीं आपका ये, ठीक है अभी, है ना। तो हम लोग अगले क्लास में, बहुत क्लियर है टॉपिक भी मैंने लिखा ही दिया है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नवपाषाण पे तो बात चली रही हमारी, इसी के साथ हम हड़प्पा सभ्यता पे भी बात करेंगे, ठीक है। ठीक है फिर, थैंक यू रोहतास।